फ्लाइट से किसी भी तरह की एंट्री बंद है। कृपया सभी लोग इस नियम का पालन करें और हमारा सहयोग करें। ये लड़के कौन है तू? घर से भाग करके आया क्या? नहीं, जिंदगी जीने आया हूँ भैया। इतने भर का है नहीं, जिंदगी जीने के लिए आया क्या? पता नहीं है कौन है भैया। अरे उससे नीचे उतर, उतर, उतर नीचे। ए, अगर तू गाड़ी के नीचे आकर मर जाता तो तेरे माता पिता को कौन जवाब देता? मेरे बारे में बोलने के लिए मेरा कोई नहीं है भैया। ले पकड़, सफेद कुर्ता पहन के स्कूल जाने की उम्र में सफेद कुर्ता पहन के पॉलिटिशियन बनना है क्या? चल बाहर वाली मार्केट में कुछ काम मिल जाएगा, जा। अच्छी। अरे जाना। कैसे दिए भैया? 50 पैसे का एक है। 10 दे दो भैया। बोनी किया ना भैया, एक और दो ना। जय बजरंग बली। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो, ले लो नींबू ताजा ताजा। रुपए का एक है भैया। भैया तुमने कितने का दिया? 50 पैसे का। अरे वो 50 पैसे कह रहा है और तुम 1 रुपए कह रहे हो। देखने जाएंगे तो 25 पैसे का भी मिलेगा। आखिरी 10 बचे हैं, लेना है तो ले लो, नहीं तो हट जाओ भैया। आखिरी 10 है। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो। मेरी वाइफ कहती है कि अच्छी सब्जियां नहीं लाता मैं, बढ़िया बढ़िया छांट के देना। अरे लीजिए भैया, सारे अच्छे है। मुझे और नींबू चाहिए। 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है। नींबू नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो, नींबू ताजे ताजे नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो। अभी ये क्या करने वाला है? अरे कश्मीर के नींबू है, कश्मीर के नींबू है, ले लो ताजा ताजा नींबू ले लो भैया। कश्मीर के नींबू, कश्मीर के नींबू, बड़े ताजे नींबू है, ले लो ले लो। पर ये तो देसी नींबू लग रहे हैं। अरे काट कर देखिए, कश्मीर दिखेगा। कैसे दिए? 1.5 रुपए का एक है। बात है भैया, आज तो धंधा अच्छा हुआ लगता है। कौन है यार तू? दिखने में तो यहाँ नया लगता है, तेरा नाम क्या है? रवि। रवि, ये किसने रखा? मैंने ही, व्यापारी हूँ ना। 5 रुपए से तूने कितने फायदे कमाए और कितने झूठ बोले। धंधा ऐसे ही तो किया जाता है ना भैया, दिन में 10 बातें हम करते जिसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं, सच कहा ना। ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ की दुकानें भी खरीद लेगा ऐसा लगता है। दुकान मैं लेकर क्या करूँगा भैया? तो मैं तो सारी मार्केट खरीदूंगा भैया। इस मार्केट को खरीदेगा? तू जानता है मार्केट किसकी है? केशव साहब जी की है, वही इस मार्केट का चेयरमैन है। साहब जी कितने दयालु हैं। साहब जी को अपनी तारीफ पसंद नहीं। सामान बिकने तक लोग धूप और बारिश से बचे, इसीलिए उन्होंने मार्केट में विश्रांति भवन बनाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो भी किसान यहाँ पे सामान बेचने आए हैं उन्हें मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं। बैठ बैठ बैठ। चाचा जी मुझे भी खिलाइए। ये तो मेरा जूठा है। अरे दीजिए भी। बहुत अच्छा है। हे भगवान, मैं ये देखने आया हूँ कि मैं जो खाना देता हूँ अच्छा है या नहीं। सब कुछ आप देख रहे हैं तो अच्छा होगा साहब। सुनो, किसानों को ऐसा ही खाना मिलना चाहिए, अगर कमी हुई तो। ऐसा नहीं होगा साहब जी, सब ठीक ठाक होगा। देखा कितने अच्छे इंसान है, ऐसे बड़े आदमी के चेयरमैन होते हुए इस मार्केट को अपना बनाने की सोचना गलत है। गलत नहीं है। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो, ले लो, नींबू ले लो। अबे अंधा है क्या? तेरी तो क्या बोला बे, तो मेरी भरपाई कौन करेगा? कैसे भी पूछने की? अरे तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? ए, क्या हो गया तुझे? आप क्यों कष्ट कर रहे हैं साहब जी, हम लोग संभाल लेंगे। मार्केट में छोटी सी भी गलती साहब जी बर्दाश्त नहीं करते। सॉरी बोल भाई, उसने मारा मुझे।
साहब जी यहाँ पर सारे लोग व्यापारी है ना, नुकसान होगा तो ऐसे छोड़ेंगे क्या? नुकसान की भरपाई के लिए पूछा तो इसने हाथ उठाया, इसलिए मैंने मारा। कौन है बच्चा? बहुत होशियार लगता है। सुनो पैसे देना, कितना नुकसान हुआ बेटा? 500 रुपए साहब जी। 500 रुपए दो। आप देवता है साहब जी। बहुत होशियार लगते हो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। गाड़ी निकाल। नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो। हिम्मत कैसे भी मारने की? साहब जी छोटे से लड़के को मार रहा। चलिए ना साहब जी, देखिए ना साहब जी। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। साहब जी मैंने सुना है इस मार्केट में आपने सबका भला किया है, लेकिन यहाँ मैं धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही कुछ कीजिए ना साहब जी। कल से इसे अपने मार्केट में धंधा करने दो। साहब जी मुझे सब्जी बेचनी पसंद नहीं है। तो फिर? मिर्ची बेचना चाहता हूँ। ठीक है। नुकसान होगा तो ये रवि छोड़ेगा नहीं, समझा? दिन का यही झगड़ा बचपन से, मार्केट इसी का ऐसा समझ रखा। समझना क्या है, मार्केट मेरा ही है। देखा इसका घमंड, अभी के अभी इसे बाहर निकाल दो। हाँ निकाल दो, नहीं तो क्या साहब जी, जिस मार्केट में काम करते हो उसके बारे में सोचना गलत है क्या? यहाँ होने वाला धंधा हाईवे के पास हो रहा है, इससे मार्केट को कितना नुकसान होता है? मेरे जैसे व्यापारी और कितने किसानों को इससे नुकसान होता है? कौन कर रहा है पूछा तो मारने के लिए आदमी को भेज दिया। कुछ गलत होता तो आपका नाम खराब होता, इसलिए मार दिया। हाँ साहब जी, रवि ने जो किया सही किया। हाँ रवि ने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया। hey, रुक जाओ, इसने जो भी कहा सही कहा। इस मार्केट के अच्छे नाम के लिए मेरी जितनी जरूरत है, इसे बेचने के लिए किसी और का होना भी उतना ही जरूरी है। ये वही है। hey, साहब जी तूने जो किया वही सही है, अब से इस मार्केट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो हंसता है तू तो गया बेटे, धीरे से मारना दादा, ढाबे के चक्कर में घर के अंडे ना फोड़ देना।
चाइनीज फ्रॉम जर्मनी चौक टू चाइना वो शक्ल से देखो वैसे ना तो मिर्ची मार्केट आधारम मंचे मा आचारम राम राम जय सीता भारम वट्टा पट्टिस्ता ही वैटु सारम होलु मुत्तंगा वीडे बंगारम सबसे बड़ा मिर्ची मार्केट है उसे शहर से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और वो जगह हमें दे दीजिए। जनता और किसान दोनों परेशान नहीं होंगे क्या? लेकिन हम तो सुखी रहेंगे ना। कितना दोगे? पता है एमएलए बनने के लिए कितना खर्च होता है? 100 करोड़। ठीक है शिफ्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है वो केशव, इससे पहले भी कई एमएलए से समझाया लेकिन वो केशव समझा ही नहीं। समझेगा, समझना ही पड़ेगा उसे। समझेगा तो 10% दूंगा वरना अपनी ताकत दिखाऊंगा, क्योंकि उसे चेयरमैन बनाने की ताकत एमएलए होने के नाते सिर्फ मेरे पास है। मार्केट जरूर शिफ्ट होके रहेगा। नमस्ते 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 मालिक नमस्ते। ए क्या बात है, तैयारी बहुत अच्छे से की है। कालिदास नहीं है? अरे हाँ वो आ रहा है। अच्छा, मेम साहब कितना वक्त लगेगा? मेम साहब शॉप की ओपनिंग के लिए जाना, जरा जल्दी कीजिए। धुआं नहीं दू क्या? पहले जाकर उसे बोलो, पता नहीं कितनी परिक्रमा करेगी। अरे बाप रे बाप, मेम साहब और कितना घूमोगी? मेम साहब आप तो जल्दी कीजिए ना, मेम साहब टाइम निकला जा रहा है। अरे दे दे, छोटी मेम साहब का नहाना हुआ नहीं हुआ पता लगा कर आना। छोटी मेम साहब नहाना हुआ कि नहीं, जल्दी आइए मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। संडे है, पानी की एक बूंद भी सैंडी पर नहीं गिरेगी। क्या बात है, पानी की आवाज भी नहीं आ रही हूँ, नहा तो लूं। बाप
बापरे, आखिर नहाना शुरू तो हुआ। मेम साहब जरा जल्दी कीजिए। संडे के दिन कोई नहाता है क्या? नहाता है क्या? नहाता है क्या? बोलो। क्यों नहाई नहीं ना? आपको पता चल गया? अरे वो बात अरे नहीं है। माँ, क्लीन रहना इम्पोर्टेंट नहीं, नीट रहना इम्पोर्टेंट है। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। संध्या जल्दी तैयार होकर आना बेटा। मेरा नाम संध्या नहीं है। तुझे क्या हो गया? ये कैसा नाम है मेम साहब? आज या कल मैं शादी करके मैं अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ, तो सैंडी के बजाय पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह कोई संध्या कहकर बुलाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इन सारी बातों में बहुत आगे है, लेकिन शुभ कार्य के लिए जाते वक्त नहाने की अकल नहीं है। संडे को भला कौन सा बेवकूफ इनॉग्रेशन कर रहा है? तू क्या देख रहा है? बच्ची बड़ी हो गई है ना भैया? रुको आता हूँ। गंदे कछु क्या हो? दादी माँ आई है। इनका नाम क्या है? संध्या। सैंडी, कॉल मी सैंडी। ए, जरा कुछ लाओ भाई, दादी आ रही है। कौन है ये? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा। आज खुलने वाली दुकान का मालिक है वो। ए, सुनो, संडे के अलावा और कोई दिन नहीं मिला ओपनिंग के लिए? आपके पिताजी नहीं कहा है? चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो? क्या है? आओ माँ। दादी माँ रुकिए जरा। दादी माँ, हमेशा हर शॉप का दिया आप ही जलाती हैं। लक्ष्मी जैसे लगती हैं, इस बार इन्हें जलाने दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये ना बिल्कुल। दादी माँ इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन बेटा। चले। अरे उस बेचारे के अच्छे काम को क्यों बिगाड़ रही है तू? उसने खुद बुलाया है, आप क्यों परेशान? मेरी बात तो सुन। चाहिए अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अपने पैर की कुल्हाड़ी मार। मार्केट में कब्जा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाए रे रवि। मर गया, इसकी भैंस तो गई पानी में। मैडम स्माइल प्लीज। अरे क्या हुआ? हाँ देखो। संध्या कैसा फील हो रहा? देखो ए, अकल नहीं है। मैं संडे का भी ख्याल ना करके तुम्हारी शॉप ओपनिंग के लिए आई, और तुमने मेरी फोटो मेरे कॉलेज के सामने लगा दी। सुनिए, यहीं पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह 18 सेंटर्स में। क्या 18 सेंटर्स में? बापरे, मेरी इज्जत की तो वाट लगा दी। लगानी थी तो अच्छी सी फोटो लगा देते, और फोटो के साथ साथ बेहुदा सी कविता भी लिखती। सुनिए, किसी को भी गाली दीजिए पर उसकी कविता को कुछ मत कहिए। हमारे बेचारे भाई साहब ने रात रात भर जाकर ये सब लिखा है, कितना बुरा लग रहा है इनको। कविता पसंद नहीं आई क्या बेबी? इस बार हाफ पी कर जबरदस्त लिखूंगा। अगली बार आप भी एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा, वरना हंगामा कर दूंगा। समझ गई? तुम पागल हो क्या? जरा ये पकड़िए। ये क्या है? मैंने दिया जलाया इसीलिए? अरे नहीं, 6 हफ्ते में होने वाला काम 6 घंटे में हो गया। सभी साहब के कमाल है, लाइए मुझे दीजिए। इस 1000 रुपए से काम शुरू करके कल 1,00,000 रुपए नहीं कमाए ना, कल से आपसे नहीं मिलूंगा। क्या वो कमा लेगा? अभी भी क्या सोच रहे हो यार, मार्केट शिफ्टिंग के लिए 10% के बजाय 20% दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हो। ठीक है ये पियो, बढ़िया माल आया और बाहर से मंगवाया है। अब क्या सोच रहे हो? जानते हो ना साहब जी पीते नहीं है। हम भी जानते हैं यार, बोलो कि मार्केट शिफ्टिंग के लिए कुछ सोचा है। एमएलए साहब, चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मार्केट यहां से शिफ्ट नहीं होगा। देखो केशव, हाथ आया हुआ मौका गवाया नहीं जाता है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, आखिर कितने दिन तक राज करोगे तुम? नया आदमी आएगा, मैं उसे खुद अपॉइंट करूंगा। मैं बदल दूंगा, तब क्या करोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे तुम? मार्केट की शिफ्टिंग के लिए एमएलए जी अपने केशव जी को बदल देंगे ऐसा कह रहे हैं, दिखा दो अपनी ताकत। तो अपनी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अरे ये क्या? हाय 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 हाय
मार्केट हमारी जान है, हमारे साहब जी की जान है, और तुमने हमारे साहब जी की बात नहीं मानी तो ए, क्या कर रहे हैं? ये माचिस की तिले मुझे क्यों दी? ये आत्मदाह कर लेंगे, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। क्या हो रहा है? हमारे साहब जी की जगह कोई और आया ना तो तू भी ऐसे चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? संजय है सर। तुम्हारे कुछ सपने हैं? नहीं सर। तेरे की सपने तो होने चाहिए, मेरा भी एक सपना था। सुनोगे तो सुनो, अपना जो एमएलए है ना, जानते हो क्या कह रहा है? अपने इस मार्केट को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया देगा। ये तो गलत है सर। है ना गलत बात? हाँ। मेरा सपना क्या है जानते हो? इस 100 करोड़ की जमीन वाले मार्केट को इस तरफ शिफ्ट किया, समझो उसके आसपास की 200 एकड़ जमीन सारी मेरी हो जाएगी। अगर इतना अच्छा सपना देख रहा हूं तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन बहुत अड़चन डाल रही है। साहब आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। तुम सब ऐसा सोचते हो इसलिए तुम सब मुझे ऐसा ही समझो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसा नाटक करता हूँ जानते हो? तो सुनो, सुबह गली से निकलकर मार्केट पहुंचने तक नमस्ते कर करके हाथ दुख जाते हैं। जंग पकड़े हुए ब्लेड से जब वो दाढ़ी बनाता है तो कहीं लग ना जाए इसका डर लगा रहता है, और कभी कभी उनका जूठा खाना भी खाना पड़ता है। अगर उल्टी सी लगती है तो छुप के उसे थूकना भी पड़ता है। अगर बोतल उठाता हूँ तो उसे एक ही सांस में पी जाता हूँ, लेकिन दारू पिया ये किसी को पता ना चले इसलिए वही हंसी वही नाटक। इस तरह सुबह से लेकर रात तक नाटक कर करके घर जाता हूँ तो नींद नहीं आती। कैसे सोने पर नींद आती है जानते हो? सब कुछ खोलकर बताऊंगा तो इज्जत चली जाएगी, लेकिन अगर मेरी सच्चाई के बारे में किसी को पता चल जाता है तो समझो उसकी तो क्या। ऐसे ही मार दिया कितनों को। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, अपनी जमीन मुझे देकर मर जाओ, वरना तुम्हें मार कर वो जमीन मैं ले लूंगा। साहब जी मुझे छोड़ दीजिए। अरे पागल मेरी सच्चाई के बारे में जानने वाला मेरे अलावा वो भगवान ही हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। भैया भैया अब हम जहां चाहेंगे मार्केट वहीं शिफ्ट होगा। हैं? क्या सोच रहे हो उस एमएलए के बारे में? नहीं भैया, उस रवि के बारे में। हमारे रास्ते का काटा जनता या वो एमएलए नहीं बल्कि वो रवि है। अगर वो रवि ही है तो अब नेक्स्ट उसी की जान जाएगी। वाड़िदे ఏం చదువుతున్నావు పాపా? నీకు చెప్తే అర్థమవుతుందా? मैं आपको बुला रहा हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रही। क्या हुआ, 1000 को 1,00,000 में बदल दिया? तो लाओ दो उन्हीं रुपयों को करोड़ में बदल देना। ऐसे हर दिन 1,000,00,000 देने के बदले आप अपना हाथ ही मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरी तो लाइफ बन जाएगी। क्या बकवास करने जा रहे हो तुम? वो क्या है? अरे चुप कर, पढ़ी लिखी है इतना भी नहीं समझेगी क्या? क्या है, लव है क्या? समझ गई भैया। सुनो, मुझ जैसी
लड़की से तुम प्यार करती हो बाहर बोलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है मैं बाहर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो, क्या कमी है? हमारा रवि मर्द नहीं है क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं किसी इंजीनियर से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। मेरे सपनों पर पानी मत फेरो। संध्या बेटी, हमारे सपनों पर पानी मत फेरो। रवि चुप रहो, चाहे जो भी शहर हो पैसा कमाना है ना, मैं भी कमाता हूँ, मार्केट में 4 दुकान है मेरी। यही यही है मेरी प्रॉब्लम, उस गंदे मार्केट से, उस मिर्ची से, उन मसालों से और इस वाइट से मुझे चिढ़ है। एक बात समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ठीक है जाओ जाओ। प्रॉमिस, इसके लिए तो हाथ उठ सकता है ना, जा। क्या बात है, चलो मुझे छुटकारा तो मिला। अरे रवि, इसको क्या हो गया? हाँ भैया, ये दिल का सौदा है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। सुनिए किसान भाइयों, सुनिए किसान भाइयों, वार्निंग देने के बावजूद तू फिर से आ गया। यहाँ से निकलना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मार्केट कितनी गर्म है जानता है ना? हाँ हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए सोच समझ करके फैसला करके यहाँ पे आया हूँ, समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है ये? अभी के हमारे चेयरमैन हैं। तुम देखना ये MLA मेरा ही नाम लेगा। रवि किसका नाम ले लिया, इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखा, तुम्हें लगा था कि तुमसे टक्कर लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना आगे। हमारे मार्केट में आकर हमारे चेयरमैन को ही बदलने की हिम्मत है तुझ में? अब तेरे एरिया में आकर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। वैसे भी केशव जी जैसे अच्छे इंसान के आगे टिकना तेरे बस की बात नहीं, उनका सामना करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, और वैसा धरती पर सिर्फ एक आदमी है। थोड़ा रेट ज्यादा भी होगा तो पहले उसे खरीद लेना। कौन है? अरे कौन है बताना, कौन उसका सामना कर सकता है? उसे जितने रुपए चाहिए मैं ला करके उसे दूंगा, बताना कौन है वो? मैं हूँ। साहब जी, 12 साल की उम्र में जब मैं पहली बार इस मार्केट में आया तो आपने कहा कि तू मिर्ची जितना भी नहीं है, चल जाए यहाँ से। तभी सोच लिया था एक दिन ये सारा मार्केट मेरा होगा। अब ये मौका मिला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, रवि को चेयरमैन के लिए नियुक्त किया है, अब आप लोग बैठकर फैसला कर लीजिए, मैं तो चलता हूँ भाई। अरे सुनो, रुको रुको, 25 साल से मैंने जनता की सेवा की है, ठीक है, इस लड़के को भी चांस। भैया, इसमें आप जितना क्या तजुर्बा तो होना चाहिए। क्या कहा, तजुर्बा? तजुर्बा भी चाहिए? नहीं होगा तो कैसे चलेगा? 6 एकड़ के यार्ड को 60 एकड़ में बदल दिया, इतने बड़े यार्ड को संभालने के लिए तजुर्बा चाहिए कि नहीं? तजुर्बे की क्या बात है साहब जी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही, सुना? जब मैं चेयरमैन बना था तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा, इसे भी मिल जाएगा। मुझ जैसा अच्छा चेयरमैन क्या चाहेगा बताओ? सबका भला हो यही चाहेगा ना, और क्या? साहब जी, आपने तो कहा था रवि के होते हुए मार्केट का कभी बुरा नहीं होगा। करेक्ट, और क्या चाहिए मुझे? तुम लोग नहीं जानते हो, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। हनुमान जी से प्रार्थना किया था, ये देखो दिखा दिया।
रवि ही हमारा अगला चेयरमैन बनेगा, क्या कहते हो? है ना रवि हमारा अगला चेयरमैन? మార్కెట్ కి చెడు జరగదని మీరే చెప్పారు కదయ్యా. అనుభవం ఏముందయ్యా, మొదటిసారి మీరు చైర్మన్ అయినప్పుడు మీది కూడా సుమారు 8 వయసే కదయ్యా. तजुर्बे की क्या बात है साथी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप ही रवि की उम्र के ही थे. उसे जितने रुपए चाहिए मैं लाके दे सकूंगा, बताना कौन हो. ए, पागल हो गए हो क्या तुम? बताओ तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस किसान को चेयरमैन बना दिया? ये मार्केट मेरा है, ये मार्केट कैसे छूटेगा मैं बताता हूँ. तू मुझे इस मार्केट के लिए पैसे देगा, तुझे ये भी पता है कि इसकी सजा क्या है. तूने ऐसा काम क्यों किया? अब तू ही इसे मार्केट से बाहर निकालेगा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा. मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा. मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे. मार्केट को जहाँ कहोगे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा. जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है, उन दोनों की शादी करवा देते हैं, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं. तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो. ए, मेरा दूसरा अवतार देखकर जिंदा यहाँ से बाहर जाने वाला तू पहला इंसान है. ये ले पाउडर लगा ले, ये देख, इसी मुंह से उसे चेयरमैन कहा था ना, अब इसी मुंह से बोलोगे वो चेयरमैन नहीं बनेगा, बोलोगे ना? देखो रवि, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए हाई कमांड नहीं मान रहे हैं. क्या कह रहे हो? वैसी बात नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, वो ये कह रहे हैं. अच्छा एक काम करो, किसी पार्टी में चले जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा. तुम्हें चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी. कल चेयरमैन साहब के स्वीकार करने के बाद भी ये लोग रवि को चेयरमैन नहीं बना रहे हैं. आज आप कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं. अगर रवि को चेयरमैन नहीं बनाया गया तो हम सब अपनी जान दे देंगे. मेरी बात सुनो साहब जी, देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ना साहब जी यहाँ पे कितना अन्याय हो रहा है. आपने चेयरमैन बनाने का वादा किया था, ये लोग मुकर रहे हैं. क्या कहा? दिए हुए वादे से मुकर रहे हैं, इसलिए कहते हैं आपके राजनेता दोगले होते हैं. अब असल में इधर रवि चेयरमैन नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? यहाँ पे और कोई है ऐसा? और कोई नहीं, आप. मैं? सचमुच मैं? और कौन, पार्टी ने यही फैसला किया है, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ. गलत है, मैंने पहले ही कहा था मुझे छोड़ दो, वापस मुझे क्यों खींच रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है. देखिए रवि की तरफ, छोटा सा बच्चा है, चेयरमैन बनने के लिए दिन रात कितने सपने देखे होंगे. साहब जी मुझे अपनी बात पूरी करने दो, अब आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन नहीं बनेगा? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बेचारे का क्या होगा? ये सरासर गलत है. गलत कैसे होगा, आपके अलावा किसी और को रखना गलत होगा, सारी जनता भी यही चाहती है. क्यों भाई लोग, सही है ना? वो तो इन सब का प्यार है मेरे लिए. तो मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ. रवि भैया चुप रहो, हमें एक दिन में ऐसा लग रहा है तो 20 साल से पदवी पर रहने वाले इन्हें हटाएंगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा. ये बात नहीं है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ. वैसे भी हमारे साहब जी चेयरमैन बन जाएंगे तो हम सब खुश होंगे ना. आप खुश होंगे? खुश होंगे. आप भी खुश होंगे ना? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरी बात तो सुन ले. क्या केशव जी, अब रवि ने बोल दिया फिर भी आप जिद कर रहे हैं. मान जाइए ना केशव जी, मान जाइए ना. सब मुझे इतना क्यों चाहते हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू. रुकिए साहब जी, साहब जी मैं 10 साल से धंधा कर रहा हूँ, बिना फायदे के एक दिन भी नहीं निकाला, और आज का दिन मेरे जिंदगी का बिना फायदे वाला पहला दिन. और ये ओहदा छोड़ने के बाद आपका फायदा होगा, मार्केट का फायदा होगा, लेकिन मेरा तो क्यों ना आप मेरा भी फायदा करवा दीजिए, आज का दिन अच्छा रहेगा. क्या चाहिए रवि, 10 लाख चाहिए या 10 शॉप चाहिए? मैं बंदोबस्त करवा दूंगा. शॉप वॉप में क्या करूंगा सर, उनकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए.
क्या मांग लिया? अरे मामा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यही बात अगर मैं चेयरमैन के ओहदे पर बैठकर मांगता तो यहाँ सब लोग मान जाते, क्यों है ना? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर भी अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इनकी बेटी से शादी करूं तो मैं पिछड़ जाता हूँ, मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा। साहब जी, रवि अच्छा इंसान है और हिम्मत वाला भी, लेकिन ये आपकी बेटी का मामला है इसीलिए आपको ही फैसला करना। दादी माँ, कल तक तो कह रहे थे अमेरिका का लड़का है और अब कह रहे हैं कि लड़का बदल गया है, वो कौन है, कैसा है, मुझे तो बताओ। अरे पागल लड़की, मैं क्या बताऊँ, सारे शहर में उसी के तो पोस्टर लगे हैं। दस बातें करता हूँ उसमें से छह झूठ चार सच होते हैं। संध्या बेटी ऐसा ही है, आगे सब कुछ पता चल जाएगा। केशव जी जरा यहाँ पे आ जाइए। ओम सत्यनारायण वृद्ध स्वाहा स्वसिना पूर्वका विश्ववेदा स्वसिनस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वसिनो बृहस्पति तथा। जरा वर के माता पिता आ जाए। अरे पंडित जी, अपना कोई नहीं है। क्या पिता जैसे एक आदमी है तो जो भी है उन्हें बुलाओ ना। भैया वो नहीं जी, इतने दिनों से सिर्फ मैं पार्टनर था, फादर भी बना दिया। रोना बंद करो और उठाओ इसे। अरे अब चुप हो जाओ। ले लो। मार्केट के लिए बेटी को खो दिया, अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे? सबके सामने जुबान दी थी इसलिए फंस गया। नो नो, ये शादी नहीं हो सकती, मुझे मार्केट भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए। रवि मार्केट जीत लूंगा कह के उनकी बेटी को पा लिया, इस लड़की के लिए मार्केट को छोड़ देगा? तुम नहीं समझ रहे भैया, मुझे मार्केट भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, लेकिन फिलहाल ससुर जी एक ग्रुप फोटो हो जाए। जरा ये कविता तो पढ़ो यार। सैंडी रैकेट में संध्या मेरी दुकान में आई, मेरी नजर को भाई अपनी अदा से घायल किया, मुझसे प्यार जताया और मेरी जिंदगी में आई। क्या उसने फिर से पोस्टर लगा दिया? मेरी इज्जत की तो फाट लगा रहा है। बाप रे, पोस्टर लगाया तो यहीं कहीं होगा वो। नो नो नो। हेलो, कैसी हो वाली बीवी? संध्या बेटी इस बार भी कविता पसंद नहीं आई क्या? ओए, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा रही हो? कैसे दिखाऊँ? हाँ, तुम जैसी लड़की से प्यार करती हूँ ऐसा बोलना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, ये बात सारे शहर में बताना जरूरी था क्या? अच्छे से प्लान बनाकर मेरे पापा को पटाया तुमने। कैसे पटाया? जरा इधर आइए, इसे लेकर जाइए। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे भी तेरा बाप क्या कोई लड़की है जो उसे पटाऊं? मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ इसलिए पसंद आ गई। क्यों दामाद जी, बिटिया को देखने आए थे? आओ आओ बैठ जाओ। हे इधर आ, इधर आओ और बाइक पे बैठो। देखिए ना पापा। अब आप ही बताइए, एक दूसरे को जाने बिना ही एंगेजमेंट हो गई? शादी से पहले थोड़ा जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? बेटी दामाद जी हैं, चले जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो। अरे उन्हें बहुत काम है। बता तो दो कहां लेके जा रहे हो? वो हम आपको क्यों बताएं? क्या बात है रवि, होने वाली पत्नी को कॉलेज से घूमने लेकर जा रहे हो? ए, नहीं हटाओगी तो गाड़ी रुक जाएगी। हटाओ हटाओ। नहीं। चलो हटाओ इसे। मैंने कहा हटाओ। मानू जा जाने जा, यू मुझसे दूर न जा। हे मांगा रब से मैंने ये हाथ है तेरा, हे साधु जन्म दूंगा मैं साथ अब तेरा, लूट न मुझसे तू यारा। इस
इसे अपने पास रखो, ये काफी अच्छा होता है। परिवार भी था, इसी के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में आया हूं मैं। ये मर चुका है सर। तुम जानते हो क्या, अगर वो मर गया है तो उसके परिवार का कोई ना कोई तो होगा, होगा ना? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ, हो गया तुझे, छोटे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? सासू माँ आपको लगी कितना गुस्सा करती है। कुछ मत बोलिए, चुप रहिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे क्या हो गया है बेटी? मेरा सपना था कि मेरा पति अमेरिका से होगा, लेकिन सारे सपनों में पानी फेर दिया आप लोगों ने। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसे बुलाती क्यों नहीं? बुलाओ उसे। अरे वो तो छोटा है, उसे छोड़ो। तुम बॉडी से इतने मोटे हो, तुम तो उसे समझा सकते हो। पहले तो इसे समझाइए, दोनों मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। ऐसे मत शर्माइए, ऐसे शर्माते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा क्यों बोल रही संध्या बेटी, वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुका ना, ये सोच कर भी। अरे एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ, हमारा भी कुछ हक है। क्यों? कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये मेरा सवाल है। क्या करना चाहिए ये मेरा सवाल है। ऐसा पूछकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ, आपके और दादाजी के इंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 6-7 महीने का हुआ होगा। अरे बाप रे बाप, 6 महीने था,
इस गैप में क्या किया आपने? क्या करेंगे, मैं मेरे घर में लंगड़ी खेल रही थी, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं तो पता। क्या आप लोगों के बीच में प्यार नहीं हुआ? कैसे करेंगे, मैं मेरे गांव में थी, वो अपने गांव में थे। तो सीधे शादी के वक्त ही आपने उन्हें देखा? अरे मैंने कहां देखा, मैं तो सर झुका के खड़ी थी। मतलब फर्स्ट टाइम सुहागरात में ही? हां सुहागरात क्या होती है, उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कंदील में क्या दिखाई देता है, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया मैंने? दादी लोग कहते हैं कि जवानी में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। सच में? हाँ। ए दादी, हाँ? वो आपको उल्लू बना रहा है। डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू अपना मुंह बंद कर, वो कुछ अच्छी बात बता रहा है, बताने दे उसे। तू बोल बेटा। इंगेजमेंट और शादी के बीच के गैप में क्या क्या प्लान कर सकते हैं पता है? क्या क्या प्लान कर सकते हैं? खाना, मिठाइयाँ, बाप रे पूरा का पूरा खाना। अरे मेरा बदन कांप रहा है रे बाबा, रे बाबा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर अपनी बेटी को भी समझाइए ना। चली जा बेटी। क्या हुआ? वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है जानते हैं? कहाँ लेकर जाऊंगा ससुर जी, मैं तिरुपति मंदिर जाना चाहता था, अब हर साल तो जाता हूँ, सोचा इस बार संध्या के साथ चला जाऊँ। दादी माँ चाहे तो आप भी चल सकती हैं। आऊंगी आऊंगी। दादी माँ जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ससुर जी संध्या को भेजेंगे तब ना। अब मंदिर ही जाना है ना, चली जाओ। वापस नहीं लौटना चाहिए। आए हुए सारे भक्तजनों से एक विनती है, सभी लोग अपने अपने चप्पल जूता मंदिर के बाहर निकालें। चोरों और पॉकेट मारों से सावधान रहें। कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ हमारा बच्चा गुम गया है। बच्चा गुम गया है? हाँ। क्या नाम है उसका? देव बाबू। देव बाबू? हाँ। कब से दिखाई नहीं दे रहा है वो? हाँ? मतलब आगे वाले गेट से गायब हुआ या पीछे वाले गेट से? हमारे गाँव से। तुम्हारे गाँव से? कितने दिन हुए गायब हुए? 12 साल पहले। 12 साल? 12 साल से गायब है और अब तक तुम्हें मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। वैसे किस गांव के हो? त्रिपुरा। तुम पागल हो क्या? दीवाना बोला बर्दाश्त कर लूंगा, पागल बोला ना तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। सब में दीवानापन होता है, मुझ में भी बेहिसाब है, हम पागल दीवाने हैं। अपने माइक पे लग जा, लग जा। कोई निशानी है? ए फोटो दिखा। आए हुए सभी भक्तजनों से एक नम्र विनती है, त्रिपुरा गांव से 12 साल पहले एक बच्चा गायब हो गया है, उसका नाम है देव बाबू, उसके पिता राजेंद्र सिंह उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अगर किसी भक्तजन को बच्चा दिखाई दे तो कृपया मंदिर के कार्यालय में संपर्क करें। सैंडी बाबा, सैंडी बाबा। तो भाई ने इसी आदमी के बारे में बोला था ना? हे भगवान, उससे मेरा पीछा छूट जाए, उसका एक पैर या हाथ तोड़ दीजिए भगवान, हो सके तो एक आँख भी फोड़ देना। अरे ये क्या है, इतना कीमती वरदान मांग रही हो? आँख और पैर के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवान जी पागल लड़की है, गलती से वर मांग लिया, इस पर ध्यान मत देना। ध्यान देना, ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। जाओ देव बाबू। इस तरह से मुंह छुपाया कहीं देव बाबू नहीं? देव बाबू, देव बाबू। hey, क्या है, क्या चाहिए? आपका नाम देव बाबू तो नहीं? नहीं, मेरा नाम रवि है। हाँ, ये देव बाबू है। देव बाबू, सेम धागा सेम दाढ़ी, तुम देव बाबू हो? hey, वो लड़की पागल है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, देव बाबू मिल गए। राजेंद्र जी हमारे देव बाबू मिल गए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। भाग रहे हो? ए, वो भाग रहे हैं। राजेंद्र जी आइए मेरे साथ, जल्दी। चलो चलो सब सब बाहर, हंगामा हो रहा है सर। क्या कर संभालो तुम भेजा। लगता है ये छोड़ेंगे नहीं। कहाँ चले गए थे, कब से वेट कर रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं होगी तो क्या करेगी? शॉप ओपनिंग के लिए संडे, मंदिर जाने के लिए संडे, हर बात पे संडे। संडे के अलावा तुम्हें कोई दिन नहीं मिलता? संडे से क्या परेशानी? अरे संडे के दिन उसका नहाने का मन नहीं करता।
दादी माँ क्या बताए इसका मतलब ये संडे को अरे संडे को नहीं नहाती आप भी ना कुछ भी बोल देती है ज्यादा मत बोल ज्यादा बोलेगी ना तो सब लोगों को सॉरी बॉस ये लो खरीद लेना थैंक यू सो मच राजेंद्र जी वो जा रहा है चलो यहाँ से अरे वो कहाँ चला गया हे गंदी लड़की चलो ए मुझे गंदी लड़की मत बोलना हो अरे वो मिस हो गया सर मिस नहीं होना चाहिए आज मंदिर में कितने लोग आए और कहाँ कहाँ से आए कितनों ने पूजा करवाई उन सब का नाम पता एड्रेस मुझे सब कुछ चाहिए अभी तक नहीं मिले सारी मार मुझे ही पड़ी ए, सुन ये रख ले ए, रुकना हमारे साहब जी को ऐसी कैसी आदत लगी हमारे बीच फिल्म देखने की मेरे साहब को ऐसी कोई आदत नहीं फिर भी वो यहाँ बैठकर सिनेमा देख रहे हैं साहब हमने तो मिर्ची मार्केट से उतना ही कमाया उन्हें देखिए पाउडर लगाकर कितना कमा रहे हैं पाउडर लगा के एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है बहुत मेहनत लगती है वो एक्टर ही जानता है चुपचाप सिनेमा देख अब क्या देख रहे हो केशव और मैं अच्छे दोस्त बन चुके हैं आप कैश शिफ्ट करो मार्केट शिफ्ट हो जाएगी एमएलए साहब हम आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं लेकिन ये बड़े लोग जनता जनता कहकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कुछ नहीं करेगा आपने डील के लिए मना लिया है ना उन्हें क्या कहकर मनाना है ये मैं जानता हूँ वो मैं देख लूंगा अब क्या है कल सुबह 10 बजे एमएलए जी उनसे चेयरमैन के प्रमाण स्वीकार कर लेंगे हाँ। और फिर तुरंत काम शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है अब आप जाकर के एंजॉय कीजिए ओके ओके अरे सुनो कैश कहाँ रखने जा रहे हैं मारने के लिए या फिर रखने के लिए एक ही जगह है कोल्ड स्टोरेज ठीक है मेरा हिस्सा भी वहीं रखना 100 करोड़ के लिए उससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है सब खत्म हो गया वो हीरो पकड़ा गया अब इसके बाद क्या होगा साहब जी ए, मार्केट को मैं उड़ा दूंगा वो रवि ट्रेडिंग कंपनी को बंद कर दूंगा उसको अरे बाप रे भागो यहाँ से भैया स्पीकर शोर क्यों मचा रहे हो तुम्हारी परेशानी क्या है मैं कौन हूँ एक अच्छे व्यापारी हो ए, मैं तुम्हारा कौन हूँ तुम मेरे पिता जैसे हो तो फिर ये फोटो लेके जो ढूंढ रहा है वो कौन है मेरे पिताजी हैं जिंदगी में दोबारा जिससे नहीं मिलना चाहता था ये वही हैं हमारा गांव था त्रिपुरा हमारे गांव में सब पागल हैं
लेकिन मेरे पिताजी जितना पागल और कोई नहीं। छोड़िए ना पापा, छोड़िए ना। जा बेटा, आराम से जाना, घबराने की जरूरत बेटा, आराम से, धीरे-धीरे। हाँ, आराम से आजा, आराम से, जल्दी। कोई बात नहीं, आ गया मेरा बेटा, मेरा बेटा भाग कर आया, ये सबसे आखिरी में पहुंचा। छे, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। इससे भी ज्यादा जुल्म किया है मेरे भाई। और क्या किया? उस कालिये ने तो मुझे एक बार मारा, लेकिन मेरे पिताजी ने उसे कई बार मारा। रुक, तुझे आप तो मुझे मार देंगे भगवान के सर, आपके लड़के को कभी नहीं मारूंगा, नहीं मारेगा और नहीं मारेगा। चल तेरे कान में एक बात कहता हूँ, वो जो पेड़ पर चढ़ रहा है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये देखो ये हूँ मैं। नहीं बेटा, आराम से, धीरे धीरे, देख देख मेरी बात सुन, नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो फिर ऐसे क्यों पाला, कभी पूछा नहीं तुमने? पूछा मैंने उनसे कई बार। पापा, आप मुझे जीतते नहीं देख सकते क्या? आप मेरी परवरिश ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं जरा पानी मिला लूं बेटा, फिर बताता हूँ। मेरे पिताजी क्या चाहते हैं मैं समझ गया। मैं कहीं मर ना जाऊं, वो इससे डरते थे मेरे भाई। और ये कमबख्त जिंदगी, बिना जीत की जान लेकर मैं क्या करूंगा। उस दिन जम करके लॉरी में बैठ गया और उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। वैसे यहाँ मार्केट में सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी ना हारने वाला मैं सारे मार्केट को ही पाना चाहता था। मार्केट को पाना चाहकर आखिर एक लड़की को पा लिया। अरे मार्केट तो मैं कभी भी पा सकता हूँ, लेकिन उस लड़की को पाने के लिए कोई अच्छा सा आइडिया बताना। याद रखने के लिए एक घूट मुझे भी पिलाना चाहिए था ना, कभी नहीं भूलने के लिए एक दे दे। क्या? एक पप्पी। पप्पी? अरे यार नहीं। झुको झुको। हाँ झुको। क्यों? दीवार चढ़ना है। अरे अरे बाप रे। दरवाजा खुला था क्या? कार में चढ़ा, खुला था। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान रखो, कोई हमें देखना नहीं। अरे बाप रे। अरे ये कौन है? दादी माँ है। इसे तुम ही संभालो, ये मैं भी आता हूँ। लाइट नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है। संडे को नहाती नहीं है। फ्राइडे आज तो नहाई होगी। रवि, दादी माँ के हाथ में फंस गया हूँ, बचा लेना यार, कहीं पिटा ना जाऊं। देखो यार, प्यार का वक्त है, डिस्टर्ब मत करो। पता है प्यार करने वाले इस वक्त क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? फोन काट दे। भगवान ध्यान देना, ध्यान देना। नींद में कैसी शक्ल लगती है, जरा हंसो। लग रही है। नी किचिंदी सरिपोते इंका मिगिलुंदे నముద్దులన్నీ మూట కట్టి పట్టుకొచ్చినా నీ ఒంటి
సదే నువ్వైనా ఎక్కడిష్టమో నాతో చెప్పరాదతే పిల్లా నీ అందమంట అద్దరే త్రిగోల చేసేనా అందుకేనే గోడ దూకినా పిల్లా నా ముద్దులన్నీ మూట గట్టి పట్టుకొచ్చినా నీ గుట్టి మీద గుమ్మరించనా ఉంటదా నడువైతే మస్తు మస్తుగా ఉంటదా చెంపల్లో హాయిగుంటదా నీ వంపుల్లో ఘాటుగుంటదా ఎక్కడే కొత్తగా మత్తుగా గుత్తుగా నేను ముద్దాడే చోటే ఇన్నాళ్ళు తోచలేదుగా నాకీ ముద్దు ముచ్చటే నువ్వైనా ఎక్కడిష్టమో నాతో చెప్పరాదటే అందుకేనే గోడ దూకినా పిల్లా నా ముద్దులన్నీ మూటగట్టి పట్టుకొచ్చినా ఈ ఒంటి మీద గుమ్మరించనా బుగ్గ మీదనా మీ ముద్దు మీదనా నడుముంపు మీదనా గుండె మీదనా ఎక్కడి పడే నాళ్ళు తోచలేదుగా నాకీ ముద్దు ముచ్చటే ఎక్కడిష్టమో నాతో చెప్పరాదటే किस करने की कोशिश कर रहा था? ये झूठ बोल रही है दादी माँ। मैंने किस कर लिया? नहीं किया दादी माँ। नहीं कर लिया? नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। रवि किया है या नहीं? नहीं किया है। मैंने किया है सच में। आपको शक है? तो ठीक है मैं फिर से कर रही हूँ। मुझे कर रहा है तो देखा आपने क्या कह रहा है ये? ससुर जी आप फुल पी कराए ना हम दोनों ने हाफ लिया है वो नहीं पीते हैं देख लीजिए कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में मैं कुछ भी कहूँ प्यार प्यार करता रहता है मुझे कुछ भी बोलो लेकिन मेरे प्यार को कुछ बोला ना तो अरे क्या कर रहे हो तू प्यार की महानता जानती क्या क्या महानता है हा? इस तरह आधी रात को आकर ऐसी हरकत करना यही है तुम्हारी महानता हाँ है महानता है उस दिन मार्केट या तुझे चुनने को कहा तो मार्केट छोड़कर तुझे चुना लेकिन तेरा बाप जब मार्केट या बेटी को चुनने की बात आई उसने मार्केट चुना और तुझे छोड़ दिया तू अपने बाप से बोलेगी तो क्या मैं डर जाऊंगा क्यों ससुर जी किसी के प्यार के बारे में बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे भी आया मुझे बहुत बुरा लगा मैं जा रहा हूँ अरे उधर 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 क्या प्लान है ससुर जी सीक्रेट है ठीक है देखा ना आपने कैसी बातें करके गया आप क्या करोगे मैं नहीं जानती वो ओहदा उसके मुंह पर मार कर ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए डिसाइड कर लीजिए मुझे चूज करना है या मार्केट को तुम जाओ बेटी मैं देख लूंगा जाओ सुनो बूढ़े आदमी ये सब क्या है तुम्हें वो अपना पिता कहता है ना ऐसी परवरिश की है तुमने के? अरे क्या बोल रही हो एक थप्पड़ मारना तो मार लो लेकिन मेरी परवरिश के बारे में कुछ मत बोलना मैं उसके पिता जैसा हूँ लेकिन जो त्रिपुरा में है ना राजेंद्र सिंह वो इसका बाप है मैंने ऐसा नहीं सिखाया मैंने ठीक से पाला पोसा उसको मेरी परवरिश पे उंगली मत उठाना अच्छा मिल गया रे उस रवि का पिता नहीं है बोलकर मेरी बेटी से एंगेजमेंट की ना अब उसके पिता के बारे में पता चलेगा तो मार्केट में सब लोग क्या कहेंगे धोखेबाज सुनिए आपके लिए भाई जी का फोन है कैसे हैं भाई साहब ये लीजिए आपके भाई साहब
मुझे एक आदमी चाहिए। मारना है क्या? जिंदा चाहिए। एड्रेस बताओ। त्रिपुरा में। ए इधर आ रे। क्यों रे, तू लंगड़ा है क्या? राजेंद्र का घर कहाँ है? अब मैं उससे बात नहीं करता, उसके बारे में मुझसे मत पूछ। चलो। एए, राजेंद्र कहाँ रहता है? मैं वहाँ नहीं रहता, मुझे क्या पता। अबे तेरा घर कहाँ है? एए, तू बता। राजेंद्र जी से मिलना है, तुम जानते हो उसे? तुझे पता है? मेरे घर के बाजू में ही है। तेरा घर कहाँ है? उतरो तो बताता हूँ। उतर गया, बता। मैं खुद ही मेरा घर नहीं जानता तो फिर मैं तुझे क्या बताऊंगा, बोल। अबे बताओ। मैं पी लेता हूँ तो अपना घर भूल जाता हूँ, तुझे क्या बताऊं? अबे तेरी तो मजाक करता है मुझसे, बहुत डरूंगा तुझे। अरे बहुत डरूंगा। ठीक है ना? रुक जाओ। वैसे ही हमारे गांव का नाम खराब है और तुम लोग इस तरह से हाथापाई करोगे तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ, हट जाओ यहाँ से। आपको क्या चाहिए? राजेंद्र का घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सब लोग पागल हो क्या? ए, दीवाना बोला तो चलेगा, पर पागल बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? रायलसीमा वालों को गुस्सा आ सकता है, गोदावरी को लोग गुस्सा आ सकता है, तो हमारे गांव में दीवाने नहीं रह सकते। राजेंद्र का घर का पता बताएगा तो 1000 रुपए दूंगा। 677 दोगे तो बताऊंगा। अबे 1000 है। 677 दोगे तो बबताऊंगा। उधर जाओगे 10,000, इधर जाओगे 1,00,000। मैं 677। अरे छुट्टे लेकर आओ। राजेंद्र कहाँ रहता है मुझे बता। उसे मैं नहीं दिखा सकता है? उसकी आवाज सुना सकता हूँ। याद उसकी चबुआ। राजेंद्र जी बहुत अच्छा गाते हैं, जरा एक गाना और हो जाए। याद उसकी जब आए दिल में दर्द होता है, ये दारू मगर पी के। ए, क्या चाहिए? पागल हो क्या? होता है हरि का नाम हरि, सबका रखवाला हरि, शराबी झूठ बोले नहीं, हमेशा ही बोले सही। फिर से चेयरमैन चुने जाने के लिए केशव जी की जय। केशव जी की जय। हेलो। हेलो भाई, उसके बाप को पकड़ने आया तो अपने काम का आदमी मिल गया। फिल्म कैसी है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? टिकट आसानी से मिल गई थी ना। मैं आपसे काम की बात कर रहा हूँ और आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं। अरे सिनेमा देखते देखते क्यों बातें कर रहा है? पूरा देखने के बाद बताओ। बताता हूँ। याद उसकी जब आए दिल में दर्द होता है, ये दारू मगर भी के दर्द कम होता है, हरि का नाम हरि, सबका रखवाला हरि, शराबी झूठ बोले नहीं, हमेशा ही बोले सही। गन्ने के खेत में हर चल न बारिश है न हवा है, गन्ना का खेत हिल रहा है, अभी तो कटाई का मौसम भी नहीं है। बचा ले मुझे गोपाला, पुकारता हूँ तुझे गोपाला, बचा ले मुझे गोपाला, पुकारता हूँ तुझे गोपाला। आज अमावस नहीं है फिर क्यों तू आया है भूत बोल। मैं डरता नहीं भगवान मेरा साहस है, मैं डरता नहीं भगवान मेरा साहस है। तू कौन है बे, क्या पागलपन है तेरा? तेरा पागलपन क्या? वही वही मेरा पागलपन है, 20 साल पुरानी दुश्मनी है, मैं उसे मार डालूंगा। मेरा भी वही हाल है, 20 साल की दुश्मनी है तुझसे। वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे पिता है। तो तू
तू अभी तक जिंदा है। मेरे माँ की दी हुई जान उस दिन तूने मार कर निकाल ली, ये मेरे बाप की दी हुई जान है, जाएगी नहीं, बदला लेगी। मैं यहाँ काम से आया हूँ और मेरे इस काम में मेरे पिताजी दखल देंगे, इसलिए मैं उनसे दूर चलाया। अब तू यहाँ पर आकर हम दोनों को मिलाने की कोशिश मत कर। तो फिर मैं तुझे और तेरे बाप को एक साथ मार डालूंगा। तू चुड़ैल बन के आई तो तुझको मिटा देगा वो, मौत बन के आई तो तुझको भगा देगा वो, अंधेरा बन के छाई तू जाला कर ही देगा, तू आग बन के आई को उड़ा वो देगा, तू प्रेत बन के आई तेरा वजूद को मिटाएगा, पिशाच बन के आई जझर से जला देगा। तू सुन ले रे ओ बाबी, तेरा बाप यहाँ मिटेगा, तड़प तड़प के तुझको वो आज यहाँ मारेगा, इतना भी तेज बन जा तुझको पकड़ ही लेगा, अपने बाजू में तुझको वो आज जकड़ ही लेगा, तू कर ले अपनी कोशिश तुझको भारी पड़ेगा, तू डाल डाल है तो वो बात बात होगा। लौट आया है मेरा बेटा। ओ गन्ने के मोटे पौधों, सिर्फ हिलने से कोई भूत नहीं बन जाता, तुमने मुझे काफी डराया ना, अब जरा हिल के बताओ तो मैं भी तुम्हें किक लगाऊं। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, ये चले तो तूफान आ जाए चारों ओर, मर्द का बच्चा है ये, समझे? आपकी दया से मेरा बेटा सालों के बाद लौट आया। ये सब क्या है? हम शंकर जी को नारियल चढ़ा रहे हैं। देव बाबू हमको मिल गए हैं ना, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। जब मैं 10 साल पहले यहाँ से निकला था, लगा था बस पिताजी ही दुखी होंगे, पर यहाँ तो पूरा गांव ही मेरे आने की खुशियाँ मना रहा है। मैं इनके प्यार को कैसे चुका सकता हूँ? अपने पिता का कर्जा चुका के। तुम्हें क्या लग रही है तुम्हारी खुशी में है? अरे नहीं भाई, ये सब तो कर्जा वसूल लिया है जो तुम्हारे बाप ने ले रखा है। तुमने अच्छे समय पर एंट्री की। इन्होंने लोन लिया हुआ? लोन लिया हुआ था। अरे इन्होंने तो पूरे 10 लाख लिए थे। इसके ऊपर ब्याज भी तो पता कर लो। अरे भैया, जिस दिन से तुम खो गए थे उस दिन से इन्होंने कितना लोन लिया है तुम्हें पता है? अरे उसका ब्याज भी तो पता कर लो। बेटा जब से तुम गए हो तब से ये दिन रात दारू पी पी के नशे में खोए रहते हैं, तुम्हें पता है इनके ऊपर कितना कर्ज हो गया है? अरे उस पे भी तो कर्जा पता कर लो। बिना कुछ गिरवी रखे कर्जा दे दिया? तुम हो ना? मैं? इन्होंने क्या कहा था पता है? मेरा बेटा आएगा तो उसकी शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगा, इसके लिए 3 लाख रुपए लिए। ये बात तो इन्होंने मुझसे बोली थी।
मैं इस काली शक्ल की कसम, अरे बैठ जाओ खाना, सारा कर्जा चुका दूंगा। ए, तुम लोग अपना कर्जा और उस पर ब्याज बताओ कितना हुआ। दे बाबू, सिर्फ मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांध देंगे। देखिए, मैं आपका दामाद बनने जितना महान कैरेक्टर नहीं हूँ। कैरेक्टर के लिए नहीं दे बाबू, कलर के लिए। हमारे सारे खानदान में इतना गोरा कोई भी नहीं है, और आपका कलर तो धूप की तरह सफेद है। हमारी फैमिली फोटो में अगर तुम रहोगे तो जरा सोचो। साले साहब, शादी की डेट फिक्स कर दो। चुप रहो, अब क्यों लेट करूंगा, चार दिन में शादी करवा दूंगा। मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। कौन सी पसंद की बात है? सुनो सब लोग, तुम्हारे जो भी उधार है चार दिन के अंदर ले लो। चुप रहो, बंद करो। अरे सुनो बेटे, अरे अपने ससुर का आशीर्वाद तो ले ले, आजा, क्योंकि शादी के बाद तुझे तो मेरे साथ ही रहना है। हमारा कलर नहीं है लेकिन हम करेक्टर वाले हैं। उसने मेरे करेक्टर पर हाथ डाला है, पकड़ो उसे। देव बेटा, भाग ले यहाँ से, भाग ले। अरे वो बच्चा है, आंसू है। चलो खड़े रहो सब लोग, भाग जा बेटे, बाहर से भाग जा। देव, तुम यहाँ क्यों आए? तुम इसके बेटे हो? अगर मुझे उस दिन पता चल गया होता तो तुम्हें उसी दिन में मार दिया होता जिस दिन मिले थे। हे, तू जाने बिना मत बोला समझे? तुम मेरे पिताजी को ए? फिर से 10 बताओगे, उनमें से 6-6 झूठ, 4-4 सच होता है, तू क्या बोलेगा रे? यार, ठीक है, इस बार सिर्फ एक ही सच बताऊंगा। पिताजी अच्छे इंसान है। तेरा बाप 32 लोगों को मारने वाला हत्यारा है। तुम क्या जानते हो मेरे बाप के बारे में? तू क्या जानता है? सब कुछ जानते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। पापा, आप मुझे जीतते नहीं देख सकते क्या? आप मेरी परवरिश ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा, मैं जरा इसमें पानी मिला लूं, फिर तुझे बताता हूँ। देव बेटा, पापा, देव बेटा, तुझे सब कुछ संभालना है। मेरे पिताजी की सच्चाई के बारे में जानना है तो पहले केशव की सच्चाई को जानना जरूरी है। मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ जानते हो? त्रिपुरा मार्केट में केशव और उसके भाई ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, वो है सच्चाई। अपने भाई के पास धंधा सीखने के लिए केशव ने पहली बार मार्केट में कदम रखा था। नमस्ते। मेरे पिताजी ने कभी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई थी, और ये बात दोनों भाई समझ गए थे कि इज्जत कमाने और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। नमस्कार जी, रिजल्ट आने वाले, आशीर्वाद तो दीजिए। इस बार जीत हम लोगों की होगी। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती है। अपने राजेंद्र जी बड़े महान इंसान है, इनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। हमारे गांव के माताओं, बहनों और भाइयों, इस बार नारायण जी इलेक्शन में फिर से जीत गए हैं। बाद में निपट लेंगे, चलिए हे भगवान, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, यहाँ के किसान और व्यापारी हरे भरे रहे, सबकी रक्षा करना भगवान। उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है भैया? ईमानदारी है उसके पास। या तो अच्छा आदमी बनो या अच्छा आदमी बनने का नाटक करो, नाटक। मेरे पास ये दोनों नहीं है, इसकी आदत डालनी होगी, और वो इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। सिर्फ एक हार की वजह से आत्महत्या कर ली? पदवी चाहिए थी तो मुझसे पूछ सकते थे ना, लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना।
आगे से तुम मेरे साथ रहकर मार्केट के काम देख लेना। आप सब यहीं रह के सारी तैयारी देखो। ठीक है सर। ठीक है, मैं आता हूँ। इसके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी सकते भैया। साहब जी कितने अच्छे आदमी है। नमस्ते, नमस्ते साहब जी। एक निवाला दो। क्या कह रहे हैं साहब? कोई बात नहीं, दो ना साहब। आप, मैंने कहा दो। ये खाना कैसे खा रहे हो? ये हम चार दिन पहले घर से लेकर आए थे साहब। हम घर तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा सामान न बिक जाए साहब। सोते कहाँ हो? यही कहीं सो जाते हैं साहब। क्या है ये सब? अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान लाने वाले हर किसान को मुफ्त में खाना और सामान जब तक न बिके उसके आराम के लिए भवन होना चाहिए। कोई भी किसान अपने नुकसान की वजह से घर नहीं जाना चाहिए। साहब, किसानों के लिए ये सब करने के लिए कितना खर्चा आएगा पता है आपको? इस मार्केट से कितना मुनाफा आता है पता है? तुम हिसाब देखते हो ना साहब? ये तो जगह ही है धंधा करने की। अरे यहाँ किसान होंगे तो ही धंधा होगा ना। किसान मार्केट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए रीढ़ जैसा है। उन्हें अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। किसान की सेवा ही असली सेवा है। अब आगे से मार्केट में यही बात लागू होगी। ये सब करने के लिए मार्केट को बढ़ाना होगा। सुनो केशव साहब जी, इधर आओ। अब से इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है साहब जी। साहब, इनके पिताजी के बारे में जानते हुए भी आप? इसके पिताजी बुरे होंगे, इसके लिए तुम इसे क्यों बुरा बना रहे? काम करो बेटे, दुख भूल जाओगे। जी ठीक से करना साहब। ए काम करो रे। एक ऐसी सोच जो इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए, वो सोच उसमें आ गई। अच्छे इंसान का नाटक करना भी शुरू कर दिया उसने। अच्छे आदमी की तरह नाटक करने लगा। लगता है केशव अपने बाप से भी ऊंचा नाम कमाएगा। ए, निकालो यहां से। हाँ। अरे केशव, वहां से भी निकालने को बोलो। साहब ने कहा ना, वहां से भी निकालो। जाओ जल्दी जाओ। चेयरमैन साहब ने अनुरोध किया क्या? है कि सबको चंदा देना पड़ेगा। क्या ड्रामा है भाई? हम पैसे चंदा क्यों देंगे? क्यों पैसे देंगे? हम रुको, मेरी बात सुनो। पैसे नहीं दे सकते केशव। नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? शांत हो जाओ। सब शांत हो जाओ जी। आपने जो काम मुझे सौंपा था उसमें थोड़े रुपए कम पड़ गए थे, इसलिए इन सबसे उधार लेना पड़ा। यही बात है। पैसे कम पड़े तो मुझसे मांग सकते थे ना। जनता से वसूली क्यों कर रहे हो तुम? कोई भी घबराए नहीं। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं दूंगा। क्या हो रहा है? पैसा आप ही देने को कह रहे हो? आप ही मांग रहे हो? अंदर कोई गोलमाल तो नहीं है? ए, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हिसाब किताब बराबर हो रहा है या फिर बात को पलट कर बोल रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों नहीं पूछ सकता? हम सबके लिए तो पूछ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी इतने भी बुरे नहीं है कि उनको हम हिसाब किताब पूछे। हमको पता है कौन सही है और कौन गलत है। हाँ हाँ, चलिए 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 राजेंद्र जी। उस पर सबने भरोसा किया लेकिन किसी एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। और क्या, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे भैया। हमें उसे नहीं मारना चाहिए। फिर साले अकाउंट का घोटाला करते हैं। तेरा बाप मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को मारेगा तू? वो अगर नहीं मरा तो मार्केट हमारे हाथ नहीं लगेगी। उसे आसानी से मारना हमारे हाथ में है। तेरा बाप एक गधा है, मेरा भाई एक गधा था। इनकी सोच ही अलग है। इनके नाम के स्टैम्प के सहारे कितने साल टिके रहेंगे? मेरा भाई तो वैसे भी मर गया। अगर ये भी मर जाएगा तो अपना खाना और अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। मेरे पिताजी को मारना चाहिए। कौन मारा? किसने मारा मुझे? कौन?
आ गया बेटा, खाना लगा दूं? नहीं भाभी, भूख नहीं है, ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं। वो अपने राक्षस रूप को अक्सर आईने में दिखा करता था। पिताजी को मार डाला, दिखाओ। ये देखो ये अकाउंट है, हिसाब है ना, ये लो लो लो, ये हिसाब ही नहीं रहेगा, मैं इसे फाड़ डालूंगा, जला डालूंगा इसे। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, मेरे पिताजी के हत्यारे हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ नहीं तुम्हें मैं, ये क्या बकवास है, क्या कर रहे हो? देखो तुम परेशानी क्रिएट मत करो, देखो तुम गलत बात कर रहे हो। देखो केशव, ये गलत बात कर रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा। चलिए चुप चुप हो जाओ, चलिए चलिए। ये सब यहाँ क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने किसी को नहीं मारा। साहब जी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है, इनके लिए कितना भी कुछ करो सब बेकार है, हमें ये मार्केट का झमेला ही छोड़ देना चाहिए। नहीं केशव, आज अगर मैंने मार्केट छोड़ दिया तो कल कौन संभालेगा? साहब जी, भैया क्या कहा इसने? मार्केट छोड़ने से मना कर रहा है, इसके लिए एक हत्या का। लक्ष्मी, यहाँ से जाओ, जल्दी जल्दी निकलो, मैंने कहा ना। और उसी वक्त केशव ने मेरे पिताजी पर हत्यारे का नकाब पहना दिया। चलिए ना, मेरी बात सुनिए ना केशव, इसे संभालो, संभाल कर ले जाना, जाओ जी, आप मेरी बात तो मानिए, आइए ना हमारे साथ। अच्छा, तुम लोग अभी तक खड़े हो, जाओ, चलिए ना हमारे साथ। उसने उन सारे लोगों को मार दिया और मेरी माँ को। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी लक्ष्मी को। भगवान, जल रहे हैं, मदद कीजिए प्लीज। चलो चलो, अरे चलो चलो, अरे कोई बचाओ इसे, अरे आग बुझाओ, जल्दी चलो। उससे बचने के लिए मेरे पिताजी मुझे लेकर वहां से भाग। हाँ भैया, वो दोनों यहां से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए, मार दो इन्हें। क्या केशव जी, ये सब आपने किया है? अब समझ में आ गया वो कितना हैवान है। इतने दिनों से मैं अपनी मौत से खेल रहा था। ए,
मतलब इतने साल से तुम बाप बेटा मिलकर हम सबके साथ नाटक कर रहे थे। आ रहा हूँ। देखो अब तक मैं तुम्हारा कलर देखकर अपने घर का दामाद बनाना चाहता था, पर अब नहीं, तुम्हारा करेक्टर देखने के बाद तुम ही मेरे दामाद बनोगे डिसाइड कर लिया है। हाँ वाह, क्या कमाल आदमी हो, पसंद आया। देखो दामाद जी, आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। एक, सबके सामने मुझे धोती पहनाओगे। दूसरा, मेरी बेटी के गले में तुम मंगलसूत्र बांधोगे। अरे हमारे ये बात यही खत्म होती है। हाँ, अगर ऐसा है तो आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। क्या है वो? एक, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं चलना। तो फिर दूसरा काम? मेरे कहने तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं पता चलेगा, हम वैसे भी कभी कुछ ठीक से बताते नहीं। वैसे ये कौन है देखो तो? अरे ये तो नंदू बाबू है। तुमने मेरे पिताजी के बारे में उन लोगों से बोल दिया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था। अब इसको मार्केट में ले जाकर दिखाएंगे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। एक बुरे आदमी को हम डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन वो अच्छाई का नकाब पहना हुआ बुरा आदमी है। नमस्ते साहब। उसके सच्चाई बाहर निकालने की बहुत कोशिश की मैंने। 10 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके आदमी को मारा मैंने, पर वो सामने नहीं आया। मार्केट के हर लफड़े में मैं जानबूझकर आया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। उस दिन वो चेयरमैन के अहदे वाली बात पर भी सामने नहीं आया। तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा आखिरकार। समझ गए ना, तुम्हें ही बनना चाहिए। उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी से सगाई भी कर ली मैंने, कमीना कहीं गया, वो फिर भी सामने नहीं आया। उसने मेरे पिताजी से सिर्फ मार्केट ही नहीं चुराया, उनकी अच्छाई भी चुराई। अब वो उसी के नकाब में है। अब तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने अच्छाई का नाटक करने वाले केशव जी को अच्छाई का नाटक करने का दर्द दिखलाऊंगा, उसका नकाब उतारूंगा मैं। देव बेटा, ए, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कहाँ गया ये? देव बेटा। देव बाबू, अरे वो तो भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? पिता की जिम्मेदारी निभाना बेटे का फर्ज होता है ना, वही निभाने गए हैं। और वापिस आ भी जाएगा। बेटा देव, मैंने सुना है रवि के पिताजी हैं। नहीं साहब, वो एक अनाथ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोलेंगे साहब। ए कल्लो, रवि के पिताजी जिंदा है। रवि के पिता है। अरे चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में मालूम पड़ गया ना रवि, तो तुम्हारा पार्टनर होने की वजह से मुझे भी इसी मार्केट में तफड़ा देंगे। रवि, क्या तुम्हारे पिताजी जिंदा है? क्या बेटा, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ है, मेरे पिताजी हैं, पर होकर भी नहीं, इसलिए नहीं बताया। मुझे बचपन से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का शौक था, हमेशा जीतना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर चीज से दूर रखते थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था जहाँ मेरे सपने को कुचल दिया जाता था? आप लोग बताइए, आपके घर से कोई गुम हो जाएगा तो क्या आप लोग उसे ढूंढेंगे नहीं? हाँ ढूंढेंगे, लेकिन मेरे बाप ने क्या किया पता है? मेरे जीते जी मेरा पिंडदान किया, ऐसा है मेरा बाप। तो आप बताइए, ऐसा बाप होना ना होना क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो पिताजी ही होता है। ठीक है ससुर जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को माफ कर देता हूँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? अपने पिताजी के बारे में तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्या, आपने दुर्गा को भेजा है ना उनको ढूंढने के लिए? क्या ये सच है साहब? ससुर जी, जरा जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। शादी के काम में बिजी है ना, जितनी जल्दी हो सके आ जाएंगे। ओके। हो गया साहब, अब आप जा सकते हैं साहब। ये उठी गोला। माया, అమ్మోరు జాతర టైం కూడా కాదు, ఏంటి హడావిడి అనుకుంటున్నావా? ఏం లేదు మావయ్య, పెళ్లి ఎలాగో ఎరగదేస్తావు, మా నాన్న తీసుకొస్తావు, నాకు నమ్మకం ఉంది. పెళ్లి చేస్తానని చెప్పావు కానీ ఎప్పుడో చెప్పలా. ఎంతకీ పెళ్ళి ఎప్పుడు మావయ్య?
ఏం లేదు మాయా ఈ హడావుడు ఏంటంటే మా ఇంట్లో పెళ్ళంటే ఊరూరంతా అదిరిపోవాలి కదా అందుకే స్టేట్ మొత్తంలో అదరగొట్టే బ్యాచ్లు అందరినీ పిలిపించా ఏ తాళం నచ్చిందో ఏ మేళ నచ్చిందో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అల్లకీలు చేద్దాము పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము అల్లకీలు చేద్దాము పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా గిరా రంగుల రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా 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 మామ మహారాజురారా అరే మామ మహారాజురారా లగండి 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 మాయా నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్ రవి మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా మనసైన దాని రంగేలి రవ్వ సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వా మనసైన దాని రంగేలి రవ్వ సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వ ముక్కుకు ముక్కే చేయిస్తా పిల్ల నడుముకు వట్యాన మేయిస్తా పిల్ల మాయా నచ్చకపోతే చెప్పే నెక్స్ట్ అంకంపాలెం కోలాటం దించేద్దాం కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లన్న దంట కూడు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లన్న దంట కూడు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు మేలు కాదు పిల్ల మెల్లన్న దంట కూడు ఎర్ర కలిసి పడ్డ అమ్మ ఎంత సాటు బిడ్డ తను పనంటే ఎంత నేను ఎంత తాలి కట్ట ఎర్ర కలిసి పాపం పండెను నేడు నీ భరతం పడతా చూడు నీ పాలిదయముణ్ణి నేను నీ కరట్టు మగుణ్ణి నేను రే మ్యారేజ్ పాట పాడమంటే డామేజ్ పాట పాడతావేంట్రా తీసుకెళ్ళండి మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో అటగోడల మీద అటగోడల మీద అడ్డ 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 అటగోడల మీద అలిగి పన్నావురో మావా నాగులో మావా నాగులో మావా నాగులో సరసరమనుకుంటూ సరసలాడుకుంటూ సరసీసల కాడ సరసీసల కాడ సరసీసల కాడ సాగిన పన్నావురో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో ఏమయ్యా ఇంత హడాడు చేసాక కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నావంటే మేళం నచ్చలేదా లేకపోతే ఈ మ్యారేజ్ నచ్చలేదా బాలే వాడు అయ్యా నాకు ఈ మేళం నచ్చింది నీతో పెళ్లి నచ్చింది నా కూతురుది అయితే ఇంకేంటి లేటు సంబంధం కలుపుకున్నావు కాలు కూడా కలుపురా కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోలాటమున్నది కోలాట సింధుల్లు దిమ్మెక్కి పోయేటట్టు ఈ మావా ఈ మావా మొత్తానికి ఆదికేశంలో ఘాట ఆడించావుగా సాధించావు వైటు లేదు పౌరం ఏ రోజైతే మా నాన్న ముసుగు తీసి మార్కెట్లో అడుగు పెడతాడో ఆ రోజే నేను సాధించినట్టు అప్పటి వరకు వీటిని వదలను ఫోన్ అరే
हेलो। हाँ दुर्गा। वो कौन है, तेरा बाप है क्या? ये नंबर तो दुर्गा का है ना? नहीं, नोकिया का है। अबे दुर्गा कहाँ है? मिर्ची डालकर सुखा दिया है। ये 9849013999 ही है ना? रुको देखकर बताता हूँ। 9848025 98। अबे ये तो मेरा नंबर है। क्या पता, इसमें तो यही देख रहा है। आप क्या करें? ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है पता है? अब तुम क्या पूछ रहे हो तुम नहीं जानते हो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या पता। अबे तू पागल है क्या? ए, दीवाना बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन पागल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दमे तो एड्रेस बता और उधर रुक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। ए, रुको, एक दम था वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें? काट दिया। ये कहाँ भाग गया? भैया दुर्गा को फोन किया तो कोई पागल बात कर रहा था। तुम जाओ, क्या हुआ देख कर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए राजेंद्र यहाँ चाहिए। हाँ ठीक है भैया। नहीं पिक्चर देख रहा हूँ। एक पागल कुत्ता भाग गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो गांव से बाहर ना जाने पाए, उसे पकड़ के रखना। हा? थोड़ा उतरोगे? पर क्यों? अरे बोला ना उतर। अरे लेकिन क्यों? चल उतर। अरे उतर। मुझे पागल लोग ही क्यों मिल रहे हैं यार। उतर, उतर, उतर। थोड़ा चल के बताना। अरे पागल। चला बैठ। हाँ हाँ पीस मेरे पास ही है, लेके आ रहा हूँ भाई। पीस? क्या कर रहा तू? सुनिए रवि फिर से मार्केट में आकर मारामारी कर रहा है। रवि तुमसे कहा जा रहा है चेयरमैन जी से बात कर लो, जानवरों की तरह मारामारी मत करो, चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। रवि तुमसे कह रहा हूँ चेयरमैन जी से आकर बात कर लो। फिर बताता हूँ। ए रवि मारामारी क्यों कर रहे हो? हर दिन हमारी मार्केट में 100 लॉरी बिना रसीद के आती है। एक लॉरी पर 1000 रुपए के हिसाब से रोज के 100 लॉरी मतलब एक साल का 360 करोड़ हमारी मार्केट को मिलना चाहिए और ये सब ये वसूल कर रहे हैं। उसी लॉरी से हर बोरी के पीछे 10 रुपया ये भी वसूल करते हैं, मतलब हमारी मार्केट में लाखों के ऊपर बोरियां आती हैं। किसानों को खिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लाखों और हमारे यहाँ हर दुकान पर 1000 रुपए के हिसाब से करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग। वो किसके बाप का माल? तुमको रो तो पूछने वाले। मर्द हूं मैं, इस मार्केट के चेयरमैन की बेटी का होने वाला मर्द। तुम्हारे पीछे कौन है पता लगा? ससुर जी आप आ गए। अरे देखिए ससुर जी, आपके मार्केट में कितनी धोखेबाजी कर रही है लोग। बेटा पर आप फिक्र मत कीजिए, आज इन सालों के पीछे के सारे नेटवर्क का पता लगाऊंगा। कौन है बे? तुम्हारे पीछे कौन है? जानता रवि। तो क्या तुम्हारे सामने है? आगे नहीं है पीछे नहीं है, मतलब वो जरूर तुम्हारे साथ ही होगा। सब बता। मा, 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 मा। क्या हुआ ससुर जी? ऐसे लोगों पर भरोसा किया इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। तुम इन्हें मार के क्या दिखाना चाहते हो, इससे मुझे और दुख होगा। इसलिए ससुर जी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है पता लगाने के लिए सर्विस टैक्स सेल्स टैक्स इनकम टैक्स सारे डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया है मैंने। अब तक तो रेट भी पड़ गई होगी आपकी कोल्ड स्टोरेज में। सर यहाँ बहुत सारा कैश है। सर यहाँ पे भी बहुत सारा कैश है। किसका है, किसका ये कोल्ड स्टोरेज? बाप रे इतना सारा पैसा, ये कोल्ड स्टोरेज है या स्विस बैंक है? पैसा तो ठीक है लेकिन ये स्त्री क्या है, ये आईना क्या है और ये पाउडर का डिब्बा क्या है भाई? अरे साहब जी के पुराने गोडाउन में इतना पैसा, ये किसका है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ साहब जी का है? ये सारा माल साहब जी का है? हा? इनकी शक्ल देख, भगवान है ससुर जी। बता दीजिए इनको क्या ये आपका माल है? अरे मेरा नहीं है। किसका है? उसका होगा। उसका मतलब कौन? दुर्गा। जोर से बोलिए। दुर्गा। ये दुर्गा कौन है भाई? ससुर जी का राइट हैंड है, आखिर उसने भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पता करो ये दुर्गा कहाँ है। ससुर जी
अब आगे से कोल्ड स्टोरेज में आप मत आइएगा। क्या है कि आप पर भी इसका इल्जाम आ सकता है, इसीलिए ससुर जी ये सारा पैसा तो ये लोग लेके जा रहे हैं पर ये डब्बा मैं लेके जा रहा हूँ। अबे साले ऐसे बैठा है जैसे लूट गया हो, तुझे पता है हम लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं। बेवकूफ खुद को एमएलए समझता है, अगर कोई गड़बड़ की ना तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। इडियट, एक बार बोला ना मार्केट शिफ्ट होना चाहिए तो शिफ्ट होना चाहिए। वीआईपी एमपी एमएलए तू अपने घर में होगा, सिर्फ एक फोन कॉल मुंबई करूंगा तू बम ब्लास्ट के केस में फंसेगा, समझा क्या? तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो, जान मेरी आफत में पड़ी हुई है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं उन्हें क्या जवाब दूँ तुम्हें बताओ। दुर्गा वापस नहीं लौटना चाहिए, दुर्गा वापस जिंदा नहीं लौटना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से, भगवान मेरे साथ है। ए, कौन हो तुम? निकालो अपना नकाब, निकालो, कौन है? रुको, मेरे कहा रुक जाओ, पीछे मुड़ो। कौन हो तुम, ये नकाब क्यों पहने हो? फोन। कुछ पीना है? फोन। ओ फोन, यही चाहिए ना? चलो नंबर बोलो। 9 8 6 9 8 6 6 4 5 6 3 4 5 6 3 4। लो घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, बात करो। लो हेलो भैया, राजेंद्र कोई और नहीं, वो नारायण ही है। अरे डरा क्यों रहे हो, नकाब उतारो और बात करो। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम? हेलो अरे पकड़ो उसे जल्दी। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। मुझे ये मार्केट चाहिए, मुझे इनकी बेटी से शादी करनी है। नीता जी कहाँ हैं ससुर जी? गाड़ी रोक। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया भाई। उसे छोड़ो, पहले उस दुर्गा को खत्म करो। भैया कहाँ जा रहे? रुकिए भैया, कहाँ जा रहे? अरे भागिए मत। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जा पकड़ो से, जाओ। वो यहाँ आया कैसे? आपके बेटे ने ही छुपा कर रखा था उसे। क्या, कहाँ है मेरा बेटा? क्या वो यही है? हाँ वो यही है। मुझे मेरी बेटी के साथ मेरे मार्केट को भी बचाना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को बचाना है। शादी को मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, आप कुंडली क्यों देख रहे हो बेटा? माँ, जब से सगाई हुई है तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है, इन दोनों को खुश रहना चाहिए, इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया है कि इन दोनों की कुंडली आपस में मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिली तो कैंसिल कर दोगे? मतलब कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं बेटा, एमएलए जी ने भेजा है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बाप रे पंडित जी, ये शादी होगी ना? दोनों कुंडलियों को जोड़कर देखने के बाद ये पता चला है कि हे भगवान, ये शादी कैंसिल हो जाए। शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये पाउडर लगा ले। मतलब मामूली नहीं होगी। मामूली नहीं होगी मतलब? गंधर्व विवाह है, इसका मतलब इस जातक के वर वधु का शादी से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। मतलब? बेटी जरा इधर तो आओ, जरा अपना कान दो। बेटा उन्होंने पहले पाउडर लगाकर शादी से ना कहने के लिए बोला, बाद में तुमने पाउडर लगाकर कहने के लिए बोला, और कुछ बोलने का बचा है क्या बेटा? दादी आपको कुछ पूछना है? अभी बस इतना ही ठीक है। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है, और शादी के पहले भी हमें कुछ करना चाहिए, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे बाप रे मैं क्या करूं? Oh!
मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आता है कि ये मुझे प्यार करता है। मैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इसके साथ एंगेजमेंट हो गई है और ऐसे में शादी से पहले मतलब ची 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 मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही है? तेरे पिताजी है ना, वो सब देख लेंगे। इस वक्त मुझे मेरे पिताजी जैसे अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है। अर्जेंटली मुझे एक बुरा आदमी चाहिए। आई नीड अ बैड बॉय। ए, कौन है भी तू? यहाँ सिगरेट पीना मना है, तुझे पता नहीं है? रवि तुम ही हो क्या? तो तुम कौन हो, किशन हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बुरा आदमी हूँ। तू चड्डी वाला बुरा आदमी है क्या? क्या बोला बे? ए, तो अपना हाथ काट सकता है, देखना चाहता है? ये तो एक सैंपल है। अच्छा? अगर तू अच्छा है तो मैं बुरा आदमी हूँ। तुझ में और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों बे? सैंडी को तूने ओ ओ ओ ओ ओ कहा है ना? तुमसे बता दिया उसने। दुर्रे, मेरे होते हुए ऐसा फालतू काम कभी नहीं होगा। हाँ। तो मुझे वार्निंग दे रहे हो? हाँ वार्निंग दे रहा हूँ। तुम्हारी वार्निंग बड़ी कमजोर लग रही है। वैसे भी तू पी रहा है और मुझे क्यों चढ़ रही है? अरे चढ़ नहीं रही है, उतर रही है। क्या उतर रही है? लो बांधो इसे। चलो। अगर सैंडी के घर आए ना तो सारा बदर काट लूंगा। दफा हो जा। क्या रवि ऐसा वार्निंग दे दिया? वैसे इसने वार्निंग नहीं दी, अच्छा आइडिया दिया है। सैंडी डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैंने उसे जबरदस्त वार्निंग दे दी है और वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो क्या, वो क्या, वो क्या? फ्यूज क्यों निकाला? इस काम के लिए अंधेरा ही सही है। इसे पकड़ो, सही टाइम पर फ्यूज लगा देना। कब? सब कुछ हो जाने के बाद। कब हो जाएगा? अरे जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो। जोर से चिल्लाने की आवाज आने के बाद, ठीक है? रवि ऑल द बेस्ट। टेंशन मतलब, अरे मैं हूँ ना। नॉर्मली जब वो आता है तो क्या क्या करता है, अब अगर पीकर आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे आदमी कहाँ चलेगा तुम? संध्या 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 सॉरी सैंडी 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 बेबी कहाँ चले गए? सैंडी पता नहीं कहाँ चले गए। चला क्या? कहाँ है वो? तो तुम यहाँ छिप रही हो? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बाप रे, पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। वापस कहाँ चला गया? सेम टू सेम। क्या है ये सब? ट्रैप। ट्रैप? आखिर तुम करने क्या वाले हो? उड़ा है तो मर्डर भी कर सकता हूँ। अब से तुम सेफ हो, अब तुम आउट हो जाओ और मैं इन हो जाता हूँ। ठीक है। सैंडी बेबी कहाँ तुम? धिंग तक धिंग तक धिंग तक तक धिंग। सैंडी मुझे बुला रही है, मैं आ रहा हूँ बेबी। अरे भगवान, ये वो आवाज नहीं? ए, अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, जा रुक जा रुक जा। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जल्दी भागो मैम साहब, कुछ अनहोनी हो रही है। जल्दी चलो। पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? ये तो रवि की आवाज लग रही है, चीख वहां से आनी चाहिए। बहुत सारी चीखें सुनाई दे रही है, कौन सी चीख पे लगाना है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद भयंकर चीख सुनाई देगी, तब लगा देना। यहाँ पर धिंता धिंता धिंता। कमीना, मेरे पेट की चुंटी ली।
मुझे काटोगे क्या? चबा लूंगा। ए सैनी, सैनी बेबी रुको। अरे गुड नाइट। आज जिसकी तो खैर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आ गया। सैनी तो क्या ये इंटरवल था? सैनी कहाँ चली गई? तुम बाओ इधर बैठ जल्दी। मेम साहब जरा जल्दी भागिए, कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या बोल रहे हो? वो साधारण नहीं, बहुत भयानक है। ये क्या बोल रहे हो? मैं खुद ही नहीं जानता। सैंडी तुम इंटरवल की तरह क्यों गए? तुम ब्रेक जाइए क्या? आज आप पॉपकॉर्न खिलाता हूँ। इतनी सारी चीखे एक साथ क्या हुआ होगा? अरे भागो भागो ऐसे। सैनी पकड़ लिया। अरे छोड़ो, अब कहाँ जाओगे? बचाओ, अरे कोई बचाओ। तुमने तो कहा था कि तुम बैड बॉय हो, अब तुम जाते हो। मुझसे भी बुरा है ये तो। अरे बचाओ मुझे, क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे मुझसे सैनी हो रहा है, मुझे बचाओ। सैनी रुक जाओ। लेडीज से प्यार करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। सैनी ऊपर मत जाओ, ससुर जी सो रहे होंगे। मतलब तुम ऊपर जाके रहोगे? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो। अरे ये कपड़े के क्यों बैठे? ये मैंने क्या देख लिया? मुझे रात को नींद नहीं आई। जी क्या है जी, आप ये उतार में? हे भगवान, ये ऐसे हो गए, मैंने सोचा नहीं था। उनको पीने की बुरी आदत भी है सासू माँ, आपने मुझे कभी बताया नहीं। सोने जैसे मेरे बेटे को ये कैसी बीमारी हो गई? हो सकता है ससुर जी में ही कुछ कमी हो दादी माँ। अरे इतनी बड़ी बात है, उसमें क्या कमी हो सकती है बेटा? भूत। क्या भूत? भूत का साया होगा। क्या भूत? भूत कब और कैसे पकड़ा बेटा? भूत? जिन पर भूत का साया होता है फिर वो भगवान भरोसे ही होता है। क्या बात कर रहा है बेटा? क्या भूत? अरे दादी भूत दिन में नहीं रहते हैं, लेकिन रात को पागल बन जाते हैं। पागल? अब देखना मैं कैसे छा जाता हूँ। दादी आप परेशान मत होइए। अरे क्या हुआ? लेकिन मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा था ना भूत का साया है इन पर। ससुर जी आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप रात को नंगे ही घूमते हैं। कौन मैं? ची वो क्यों? तुझे भूत ने पकड़ा है बेटा, तुझे भूत ने पकड़ा है। मुझे? ए भूती इनको छोड़ दे। कोई बात नहीं, भूत निकाले भी जाते हैं। कैसे? मेरे पास उसका एक रास्ता है। कैसे? मैं ससुर जी के अंदर के भूत को मार मार के निकालूंगा। बोलो, फिर से बोलो। चुड़ैल? अरे बाप रे, तू इनके अंदर कितने सालों से बसी हुई है, तुझे और कोई मिला नहीं क्या? इनमें ऐसा क्या पसंद आ गया? बिना कपड़े के अच्छे लगते हैं। अरे बोल चुड़ैल, बोल जल्दी से, तुझे अभी तेरे से बुलवाता हूँ। अरे ये चुड़ैल तो 15 साल से इनके अंदर बैठी है। अरे तुम कैसे जानो कि वो तो अंदर है ना, बाहर थोड़ी है इनके। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए पीटना होगा। हाँ पीटो इनको, जोर से पीटो। तूने मेरे पति को वश में कैसे किया? छोड़ मेरे पति को, छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे मेरे पति को, मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे।
चल बारा। अरे ये तो अपने देव बाबू हैं। किसी का भूत निकाल रहे हैं। बारा। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। किसने बताया? कैसे पता चला? उस मुन्ना को भागते हुए तुम्हारे पिताजी ने देख लिया था। ए, उससे क्या बातें कर रहे हो? सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफेद शर्ट क्यों पहनी है? काम क्या करते हो तुम? ये जगह कौन सी है पता है? पता है वो कौन है? पता है मैं कौन हूँ? आप फिर से फ्लैशबैक में जाओगे क्या? ए, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कहा था क्या 10 साल पहले ये तुम्हें बताए बिना घर से भाग गया था। मैंने बताया? हाँ मैंने कहा था। तुम नहीं बताया था? क्या तुम्हें सच्चाई पता है? ये सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आए हो? पाँव में कैसे रह सकता हूँ? इसके बिना आप रह सकते हो क्या? किसी नए को देखते ही मुंह क्यों चुपा लेते हो? हाँ आपको ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आया मैं। तो अब क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? आपका नकाब हटाना है, अपने पिताजी का ये चेहरा मुझे दुनिया को दिखाना है, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं वहां से नहीं आऊंगा। आपने जो खोया है मैं उसे वापस ले आऊंगा। तू वापस लाएगा? मैंने कहा तुझे लाने, पता नहीं तुझे पैदा क्यों किया। मैंने भी मांगा क्या? मैंने मांगा था क्या? आप मुझे पैदा करो, मैंने बोला था क्या? आपने पैदा किया, ये भी ऐसा ही है। ए, मैं तुझे कैसे समझाऊं? दोनों समान कैसे हो सकते हैं? मैंने जो खोया कोई खास बात नहीं है, इल्जाम की भी मुझे परवाह नहीं, बस तू सही सलामत है यही मेरे लिए बड़ी बात है। अगर तुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं होगा, इतने साल मुझे कुछ नहीं हुआ। आपका बेटा हूं, पता चला तो होगा। आप यहां रहेंगे तो होगा। ए, बेटा तेरी जिंदगी खतरे में है। केशव को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है। पता चल गया ना? पता चल गया ना? अब यहां एक मिनट भी मत रुकिए, जाइए, चले जाइए। देव बेटा मेरी बात तो सुन। चले जाइए। मैंने कहा चले जाइए। सुन मेरा बेटा, जाइए जाइए। मैं उसे इस हालत में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे दामाद जी की सेफ्टी के लिए। फिर तुम्हारी सेफ्टी कौन करेगा? अरे तुम हो ना यार। मेरी सेफ्टी कौन करेगा? अरे मैं हूँ पागल। आज उसे मरना ही चाहिए, मार डालो उसे। तुम्हारे पास हथियार है? हथियार है ना? मुझे क्या हथियार की जरूरत है, मैं खुद ही एक हथियार हूँ। अब तुम टेंशन लेकर मुझे मत टेंशन दो, समझ गई? अरे तुम दोनों पूरी बोतल क्यों पी रहे हो भाई, बताओ? बहुत दुखी है यार, डर ज्यादा हो गया। मैं भी तो पी रहा हूँ भाई। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारा फैन हूँ। क्या ये कर क्या? अरे मैं बुरा हूँ तो ये मुझसे भी डबल बुरा है। जस्ट मिस में पता चल गया बॉस, मुझे एक पैक है। अरे भाई गेस्ट के लिए पैक बनाओ। तुम इंसान ही हो ना? संदीप तुम भी एक इंसान हो ना? क्यों, अब क्या हुआ? क्या हुआ? उस दिन दीवार से कूद कर आए, हंगामा खड़ा किया और हो गया। सब मुझसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं? करेक्ट है संध्या, जो हुआ नहीं उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देने वाला हूँ जिससे सब आसान हो जाए। मेरे पास मत आना, बोल देती हूँ मैं। मेरे पास हथियार है, अभी निकलती हूँ। हथियार देखो तो। क्या कर रही है? अरे उसने ये क्या किया? उसने मेरे बेटे के छाती में चाकू घोंप दिया है। कौन है ये? केशव की लड़की है। पर ये उससे कैसे जानती है? किससे आपका बेटा शादी करने वाला है? क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप रहो। अगर उसको पता चल गया कि मैंने तुम लोगों को क्या रखा तो मुझे मार डालेगा। कैसे मार डालेगा? मैं उस लड़की को मार डालूंगा। खामोश रहो। क्या है ये? तुम्हारे मारने के बाद ये बच गया। मतलब वो कह नहीं सकते वो बचेगा या नहीं, सब भगवान के भरोसे है। अंधी हो गई है क्या? सॉरी देखा नहीं मैंने। अरे तेरी सॉरी की ऐसी तैसी, तूने मेरी कमर तोड़ डाली। अंधी हो गई तुझे? हम पहले एक तोपा क्या समझती है खुद को? मेरे एरिया में आके दादागिरी कर रही हो, वरना तुम
चलो उतारो, हेलमेट उतारो। हाँ हाँ, लोपा निकाल, लोपा निकाल। अरे मारो इसे, मारो इसे थप्पड़, पता चलेगा। अरे ये तो इसके पंगे तो पागल है क्या? कहा था ना तुमसे कुछ करना। अब आप कैसे हैं? अरे बाप रे, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो ना? चलो घर चलते हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे जाना, बुला रहा हूँ तुझे। यही हमारा घर है। उड़ाओ। आठ दिन में लड़की घर आ रही है और तुम सीरियल देख रहे हो। देखो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। वैसे तुम जो चाहो बदल सकती हो। क्या ये सच में सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? खुद ही कहता है कि छह झूठ और चार सच बोलता हूँ। क्या ये सब सच है? रवि, सोप और सेंट लेकर आ गया मैं। वहाँ रख दीजिए। हर जगह सोप ज्यादा सेंट कम लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या सेंट ज्यादा सोप कम लिया? अब क्या है कि मेरी वाइफ क्या ज्यादा इस्तेमाल करेगी क्या कम इस्तेमाल करेगी ये तुझे नहीं पता। एक बार पता चल गया तो सब वैसे ही आएगा। वो किचन है तो खाना बनाना नहीं आता। हे, वो बेडरूम है। टेंशन मत लो, जब तुम चाहोगी तभी मैं अंदर आऊंगा। एक बात बताओ, कुंडली के हिसाब से शादी के पहले हमारा हो जाना चाहिए था, अब क्या करें? अरे वो बाथरूम है। एक बात कहूं, तुम इतनी सरप्राइज्ड क्यों? मैं हमेशा 10 बातें करता हूं, उसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में एक ही बात कहूंगा, तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे और इस घर को तुम्हारा इंतजार है।
ఉంటే కునుకు చెడి చకచక వదులుకోన ఉంపుల దానిమ్మకాయ వదులొదులన్న గాని ఒక్కడి కొక్కిరాయ్ బెల్లం పెట్టి ముగుడవుతాలే తాలి బొట్టు మెల్లో కట్టి తోడవుతాలే గుడుగుడు గుడు గుంచమే ఆడే సామ్రావే గొడవలు చేసింది చాలే రుచి మరిగిన కోడిగా గోడెక్కి చూస్తూ क्या यार ऐसे क्यों देख रहे हो? ये गुड न्यूज आप ही दीजिए। मार्केट शिफ्ट करने की फाइल में साइन हो चुकी है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग, मिनिस्टर की बातों पे भरोसा नहीं है क्या? ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जनता का क्या करेंगे आप? मैं जाकर के जनता से बात करने की कोशिश करूंगा और केशव उसे पूरी कर देगा। सिंपल। सुनो, आपकी सरकार और फैसले की हमें जरूरत नहीं है, हमारी जनता और हमारी मार्केट के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके फैसलों में कुछ अच्छी बातें भी है, देखा है, सोच भी रहा हूँ। लो अब आ गया वो, अब नया प्लान बना के आया वो। मुझे तो ससुर जी बहुत सारी बातें गलत दिखाई दे रही हैं। क्या है कि हमारा मार्केट है बहुत बड़ा, इसमें 1 या 2 लाख बोरियां भी आ जाती हैं। ये शहर के बहुत पास है और लोग आसानी से यहाँ आ जाते हैं, तो आप बेवजह अपनी मार्केट को शिफ्ट करने की क्यों सोच रहे हैं? ए, क्या बात कर रहे हो तुम? अब कोई कुछ भी कहे, फाइल पर दस्तखत हो चुकी है, मार्केट शिफ्ट होकर रहेगा, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ए, ये मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी, आपके भरोसे इतने सारे लोग हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? लड़ूंगा। साहब जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाला केशव जी की जय। अगर आपको भूख हड़ताल पे कामयाबी ना मिली तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। उठिए ना, बेटी आपके लिए खाना लेकर आई है, उठिए ना। हाँ, ये लंच पापा के लिए नहीं है, उनके लिए है। क्या ये मेरे लिए? इतना प्यार है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या बात है? एमएलए को फोन लगाओ, कहीं मैं मर ना जाऊं। ए मंगा, अरे कहाँ मर गया? एक मांग कर खा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई, मेरे गांव में मेरा बहुत नाम है, गांव जाते ही मनी ऑर्डर करा दूंगा। थैंक यू भाई। कहाँ के हैं आप? त्रिपुरा है। लगता है ये अपने गांव का बंदा है। चल उसको भी ले चल, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। केशव जी की जय। जीत गए हो तुम, तुम्हारी मांग पूरी हो गई है, तुम्हारे अनशन के आगे सरकार हार गई है। इस मार्केट को शिफ्ट करने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। पी लो। मुंबई की पार्टी और मिनिस्टर को जवाब दे देकर थक चुका हूं, तुम तो अच्छे बनने में लगे हो, लेकिन हुआ क्या, तुमने अपनी बेटी भी खोई और मार्केट भी खोया, अब सिर्फ यही बचा है, पी लो। अगर मैं जिंदा बच गया तो वो मरेगा।
16 बोरियां है, ध्यान से गिनो और नोट करो। हेलो देव बाबू, कब से तुम मेरा नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बाप का नकाब उतार रहा हूं, आकर बचा लो। पता होता कि वो राजेंद्र का बेटा है तो मैं अपनी बेटी कभी नहीं देता। लड़की का बाप हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आप क्या सोच रहे हैं साहब, शादी के लिए मना कर दीजिए। वो मार्केट में वापस नहीं आना चाहिए। रवि, रवि, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। पिताजी, पिताजी कहाँ है वो? तुम्हारे पिताजी, पिताजी पुलिस स्टेशन में सेफ है। पुलिस, पुलिस स्टेशन में कैसे सेफ रहेंगे? बैठो, नहीं चप्पल पहनो, बैठो, 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 थोड़ा सब कौन है यार? बड़ा देख रहे हैं, लड़के का तो बरोड़ नहीं। हे, 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 देखो, देखो, बनाने नहीं, बनाने नहीं। మీ నాన్నని ఎవరు తీసుకెళ్లారో నాకు తెలీదు. ఖచ్చితంగా ఆనా కొరకాయ ఉంటాడు. ఇతని సాల్సే జిస్ ఆద్మీకు మే భగవాన్ మానతా థా వో తో రాక్షస్ కి తరహ నిక్లా. कल तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हो गई। शादी करके क्या मिलेगा? मार्केट यार्ड तो अब शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट यार्ड शिफ्ट होगा, 24 घंटों में शादी होगी और 4 घंटों में मार्केट खाली होगा। वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी। ऐसा क्या करोगे तुम वहाँ पे? वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी जाओ और अपने पिताजी को बचाओ। रवि, रवि, अब शादी? ओम देवी वाजमदयंत देवास्तां विश्वरूपां पशुपावसंते। नाना, नाना, पिताजी, 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 चार बज गए, शादी रोकनी पड़ेगी। मार्केट में आग लग गई है। क्या आग लग गई? मार्केट में आग लग गई है। अरे जाओ, जाओ उधर जाके देखो कितना आग लगी है। जल्दी जाओ उधर, उधर देखो। देव बेटा, देखा मैंने क्या कहा था तुझसे? सब उसी का किया धरा है। तुम
तुमने देखा ना वो क्या कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। बेटे तुम छोड़ो ये सब कुछ, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे, चलो हम गांव लौट चलते। बेटा मेरी बात सुन, देव बेटा रुक जा। ये सब क्या हो रहा है, अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो जान चली जा रही है। अरे बुझाओ, अरे कोई आग बुझाओ। अरे इधर आओ, ये सब रवि ही कर रहा है। देखो उसके पिता की असलियत बता दी, इसीलिए वो गुस्से में ये सब कर रहा है। जाओ जाकर रोको उसे। क्या नौटंकी कर रहे हो यार तुम भी? देखो इसके बाद मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे हो जाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अपना मुंह बंद कर। अरे अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो। ए उधर जाओ, उधर जाओ। इधर आओ, इधर आओ, रवि इधर है, जल्दी इधर आओ, पकड़ो इसे। कहाँ है, कहाँ है? किसे? ए रवि, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही जाके ढूंढो उसे। ढूंढो, ढूंढो, जल्दी। ए, 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 रवि इधर ही है। कौन? कहाँ? अभी तो इधर ही था। यहाँ तो कोई नहीं है। ढूंढो, 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 जल्दी आओ। तेरी असलियत सारे मार्केट को पता चल जाएगी, समझा? ए, क्या चाहिए तुझे? पूरी यार्ड दे दूंगा, अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, बाहर जाके बोल कि मेरे पिताजी निर्दोष है, छोड़ दूंगा। बस वो एक मत मांग बेटा, कोई दूसरा रास्ता बता। तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बताना ही होगा। मार्केट के सब लोग सुन लो, मार देगा। सच बोल, मुझे मार दे, मुझे मार दे। अगर मैं मरूंगा तो अच्छा बनकर मरूंगा, लेकिन तेरा बाप बुरा बनकर मरेगा। मार दे, मुझे मार दे। पगला कहीं का, पगला कहीं का। क्यों रे, किसी का इतने साल से इंतजार कर रहा था, हाँ? पागल लड़का। और मैं 20 साल से अपने आप को बचाने के लिए कितनी मेहनत की जानते हो? मैं कौन हूँ मेरी बीवी भी नहीं जानती है, मेरी बेटी भी नहीं जानती है, और एक बार बताऊं तेरा बाप भी नहीं जानता है। उससे उसकी अच्छाई छीनने के लिए 32 लोगों को मारकर वो सारे गुनाह
तेरे बाप पर लगाए। और 33वां, अपने चाचा को मैं नहीं मारा। अरे हिसाब गलत है। 34वां, अपने भाई को भी मैं नहीं मारा। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। जानते हो क्यों? मैं अपने भाई की तरह बुरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। तुम्हारे बाप की तरह सारी अच्छाई पाना चाहता था। तू एक बात जानता है, हैं? तेरे बाप जैसे अच्छे आदमी को बुरा बनाना बहुत आसान है, लेकिन मुझ जैसे अच्छे आदमी का नाटक करने वाले को बुरा साबित करना बहुत मुश्किल है। मुझे नंगा तो दिखा दिया, लेकिन मैं क्या हूं दिखा पाया? गुस्सा आया? हाँ? मुझे मार देगा, मैं तैयार हूं। लेकिन तेरा बाप अच्छा आदमी है, ये बात इस जन्म में तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। जानता है क्यों? कल इस यार्ड में अगर किसी की मूर्ति बनेगी तो वो इस केशव की ही बनेगी। वो क्या है, तुम्हारी 10 बातों में 6 झूठ और 4 सच है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। 10 झूठ में से 10 ही झूठ होते हैं। जाओ अपने पिता की तरह नकाब पहनकर जी लो। ए, आग बुझाओ। ए, पानी लेकर आओ। ए, तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ जाओ। ए, आओ 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 इधर। ए, जल्दी आओ। ए, तूने जो भी कहा सब लोगों ने सुन लिया है। अब तेरा नकाब चल चुका है, तेरा नाटक खत्म हो चुका है। अब और नाटक मत कर। तेरा फैसला जनता करे। पिताजी, अब आप राजेंद्र सिंह नहीं हैं, इस मार्केट के महाराजा हैं। तुमने नाटक करके हमारी जिंदगी के साथ खेला है। हम तुम्हें मारना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मारो इसको, मारो, मारो। ऐसा क्यों किया? अगर तेरी जान चली जाती तो आपकी भी जान आपके लिए चली जाती, यही होता ना। राइट टू सोल्डर लोगो विज्ञप्ति यार तो आवर व्हाई टू लव यू अ लॉट बट इट्स नॉट वीड कॉलेंट रा ये ले चेयरमैन या అక్కడ దొర్బ పిల్లొద్దు అన్నాడు యా ఒరే కన్నా నువ్వు అమ్మని ప్రేమించావు కదరా ప్రేమించానా దానికి టైం ఎక్కడ దొరికింది నీకోసం పోరాడడంలోనే నా సగం జీవితం అయిపోయింది కదా అన్న ఒక కిస్ ఉందా ఓ హగ్ ఉందా కనీసం అదన్న ఉందా లేదే మరి పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటాం మా దగ్గరకు ఇంకా 3 నెలల టైం కావాలి అంతవరకు ఏం చేస్తారబ్బా ముందు ముందు ఇంకా చాలా ట్రీట్లు ఉంటాయి పౌరం కుమేస్కో ఓకే యో మ్యాన్ వావ్ ఎక్సలెంట్ స్వీట్ వేర్ యు గాట్ దిస్ డా యు కాంట్ యు స్వీట్ స్వీట్ ఇస్ వెరీ పార్టీ వైట్ ఇస్ గివింగ్ మీ పార్టీ ఎవడరా నువ్వు హో యో మ్యాన్ యు ఆర్ ఇన్ గాన్ ఫర్ వాట్స్ హ్యాపెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు వి ఆర్ హావింగ్ పార్టీ మావాళ్ళ పెళ్ళో నీ పార్టీ ఏంట్రా పెళ్ళ యు మీన్ మ్యారేజ్ ఎవడు తీసుకొచ్చాడ్రా నిన్ను దట్ గాడ్ సత్తి పౌరం వైట్ వైటు బిర్యానీ అదర్స్ 4th ప్లేట్ వాలే ఉంది ఎంత ధైర్యంరా మీకు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టీ చేసుకుంటారా ఏంటయ్యా పార్టీ చేసుకుంటే తప్పేంటి ఇచ్చినారో తెలుసా మిర్చియా చైర్మన్ గారు అబ్బాయి పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత బిల్ ఎంతో చెప్పు టిప్పుతో కలిపి విసిరేస్తాడు సాలీ యు థింక్ ఇస్ స్లీపింగ్ నో ఐ యామ్ ఈటింగ్ ప్రాపర్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ దిస్ ఇస్ లైక్ సీన్ నెంబర్ 32 ఇన్ కాసా బ్లాంకో అంటే
వాళ్ళ పెళ్ళిలో మనం పార్టీ చేశాం. ఏయ్ నేను మాట్లాడుతుంటే మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటారేంటి? ఎవరు తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని? తనే. రేయ్ నా నీలా ఇరికి చేసావ్ ఏంట్రా? మరి దాచుకున్న మన లవ్ గుర్తులని చింపేశావు కదా, అందుకే పార్టీ. బుద్ధునోడు ఎవడైనా అసలు దీనికి పార్టీ అంటాడురా నిన్ను? ఇప్పుడు అలాగే ఉంటదే, ఓ పదేళ్ల తర్వాత ఇవన్నీ గుర్తెచ్చుకుంటే అప్పుడు బాగుంటది. ఇదేం లవ్ రా? మాస్ లవ్, మర్చిపోలేవు. ప్రేమించడమని ఇలా ఏడిపిస్తావు రా, చంపేస్తా నిన్ను. తోలు తీస్తా కనపడ్డా ఉంటే. నమస్తే. హలో అన్నయ్య, చెప్పేది విను. సినిమా ఎలా ఉందని మాత్రం అడక్కన్నయ్య, ఈ తిక్కవారి పల్లె నుంచి నన్ను ఎలాగైనా బయటపడేయ్య. సినిమా ఎలా ఉంది అన్నయ్య? టికెట్ దొరికిందా అన్నయ్య? నాకు పిచ్చెక్కుతోంది అన్నయ్య. నాకెప్పుడో వచ్చేసింది. ఏంటి తప్పించుకుందామని చూస్తున్నావా? ఒక్కసారి చుట్టూ తిరిగి చూడు. ఇప్పుడు నీకు రెండే దారులున్నాయి. ఒకటి, మార్కెట్ జనాల చేతిలో చావడం. రెండు, నువ్వే సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోవడం. తలుచుకుంటేనే పిచ్చి ఎక్కుతుంది కదా. నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? వీళ్ళు చూస్తే జాలేస్తుందిరా, ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించొచ్చుగా. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉంటుంది అన్న? మైసమ్మ గుడికి తీసుకెళ్లి పౌర్ణమి పౌర్ణమికి బడిత పూజ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. ఏమంటమ్మా?